हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। और आज अपन सॉल्व करने जा रहे हैं डीसीएम का पेपर नंबर 18। टोटल 42 पेपर्स होने हैं, उनमें से 18 नंबर का पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, जो बेसिकली जूलॉजी पोर्शन को कंसीडर करता है। और जूलॉजी में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का, जिसका नीट का वेटेज रहता है क्वेश्चन 15 to 19, एवरेज इतने क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं पर ईयर। ठीक है, तो फटाफट अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको परफेक्ट आंसर्स बताते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में आया है। सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिपिड एब्जॉर्प्शन, यानी आपको लिपिड के एब्जॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट बताना है कि क्या सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है माइसील्स आर फॉर्मड इन द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत अच्छे से बताया आपको कि जो लिपिड होते हैं, फैट होते हैं तो फैट उनका सबसे पहले इमल्सिफिकेशन होता है बॉइल सॉल्ट की प्रेजेंस में, और बॉइल सॉल्ट जो होते हैं वो लीवर से रिलीज होकर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फैट को स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड करते हैं, जिसे वो बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। उसके बाद में फैट बन जाता है किसमें, माइसील में कन्वर्ट हो जाता है, और माइसील बनने के बाद में ये जाता है अपनी इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स के अंदर, वहाँ जाके ये कन्वर्ट होता है काइलोमाइक्रोन में, और काइलोमाइक्रोन में जाने के बाद में यानी कि बनने के बाद में ये अब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टियल्स में। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जो माइसील फॉर्मेशन होता है वो ल्यूमन में होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा काइलोमाइक्रोन आज सिंथेसिस एंटेरोसाइट, या एंटेरोसाइट का मतलब आपके इंटेस्टाइनल सेल है, ध्यान रखिएगा ना। और इंटेस्टाइन में कौन सी होती है, आपको पता है ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर सिंपल कोलोमनार एपिथेलियल टिश्यू, वे उसकी बात कर रहा है, वही एंटेरोसाइट है। बाइल सॉल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है, बाइल सॉल्ट किसमें हेल्प करेंगे, फैट के इमल्सिफिकेशन, यानी एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं उसका। और काइलोमाइक्रोन्स आर एब्जॉर्ब इन मेनली इन आर्टरी, ये गलत हो गया, आर्टरी में कभी नहीं होते, हमेशा किसमें एब्जॉर्ब होते हैं, ये लैक्टियल्स में होते हैं, लैक्टियल्स क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है, तो इनकरेक्ट हो गया फोर, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, 4। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स, अंडरलाइन करें, कॉमन सिम्टम्स पूछ रहा है किसका, मेरास्मस और क्वासी और कोर, दोनों ही कौन से डिजीज है, अपन को पता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पक्का पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में इसका, कि दोनों में कॉमन ढूंढने, आपको अनकॉमन नहीं पूछ रहा, कॉमन पूछ रहा है। तो वास्टिंग ऑफ मसल्स, दोनों के अंदर ही आपको पता है प्रोटीन की कमी हो रही है और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, और एक में प्रोटीन ज्यादा कम हो रहा है, एक में कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है। ठीक है ना, और एक में डोमिनेंट, दोनों ही कम हो रहे हैं, तो दोनों डिजीज के अंदर आपको पता है मसल में वीकनेस आएगी, यानी कि कहने का मतलब है मसल वास्टिंग होगी, बिल्कुल सही है, थिनिंग ऑफ लिम्स। तो आपको पता है अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो डेफिनेटली मसल्स क्या होने जाएगी, पतली होने लग जाएगी, थिन होने लग जाएगी, तो ये भी बात सही है। तीसरा, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है और ना ही प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, तो जिस वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ब्रेन का डेवलपमेंट कम होगा तो आपको पता है बच्चा क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। फोर्थ, ऑल दीज आर कॉमन सिम्टम, बिल्कुल सारे सिम्टम्स जो है वो कॉमन दे रखे हैं, किसके अंदर, मेरास्मस के और क्वासी और कोर के, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज आर कॉमन सिम्टम्स। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए, काफी लेंथी क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एंड इनकरेक्ट, आपको दोनों सेलेक्ट करना है, करेक्ट भी सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट भी, तो आप बना लेते हैं इसका करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे आएगा, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ये लीजिए। चलिए अब देखिए आप, फीसीज आर एंटर इन टू द सीकम थ्रू द इलियोसिकल वॉल्व, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो वॉल्व होता है वो कौन होता है, इलियोसिकम, नाम में पता चल रहा है इलियम और सीकम के बीच, इलियम किसका पार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, तो दोनों में बिल्कुल सही है, ये हो गया ट्रू आपके बिल्कुल। सेकेंड आता है मैक्सिमम वॉटर, मैक्सिमम वाटर एंड डाइजेशन ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर का कभी डाइजेशन होता ही नहीं, पहली बात तो ऐसे ही गलत हो गया, अगर फूड जो डाइजेस्ट उसका मैक्सिमम ये पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन तो यहाँ होगा नहीं, अपन को पता है, हाँ नो डाउट, अगर कंपेयर करें अपन अदर से तो ज्यादा हो जाता है, जैसे मिनरल से या ड्रग से कंपेयर करें जो लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें वाटर का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आपको पता है डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो नहीं सकता, ये भी गलत हो गया आपके। ठीक है, स्किन, लंग्स, लीवर ऑल्सो असिस्ट द एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही बात है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ये समरी में लाइन लिखी हुई आपके। द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल अकर्स इन द रेक्टम, रेक्टम में नहीं होता, ये गलत हो गया आपके। फाइनल स्टेप ऑफ द डाइजेशन अकर वेरी अवे, अवे नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए, बिल्कुल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पास में होता है, सो दैट इमीडिएटली वो फाइनल प्रोडक्ट बनते क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, चलिए ये गलत हो गए आपके, तो कौन से सही हो गए आपके, ए और सी करेक्ट हो गए, ए एंड सी आर करेक्ट, बी सी आर इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा, 4। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि ह्यूमन के टीथ जो कैसे होते हैं, ह्यूमन टीथ आर कैसे होते हैं, हेटरोडोंट होते हैं बिल्कुल, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर सबकी शेप एंड साइज अलग होती है, तो ये सही बात है। थीकोडोंट क्योंकि वो जो बोन के अंदर फिट होते हैं वो किसी, डाइफाइटोंट नो डाउट अपने जो टीथ है जो ट्वाइस टाइम आते हैं ना मिल्क टीथ वाले, तो ये पहला ही सही हो गया आंसर इसके अंदर, फर्स्ट ही करेक्ट है। दूसरा है थीकोडोंट, होमोडोंट नहीं होते ये गलत है, थीकोडोंट हेट्रो एक्रोनी होते हैं, होमोडोंट ये गलत हो गया, होमोडोंट होते ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हो गया वन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें क्या दे रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है आपको। डिफिकेशन, डिफिकेशन का मतलब होता है फिकल मैटर को बॉडी से बाहर निकालना, इज मास पेरिस्टाल्स बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस कैरिड बाय इट्स इनवॉलेंट्री प्रोसेस, इनवॉलेंट्री नहीं है ये, वॉलेंट्री प्रोसेस में कंसिडर किया जाता है डिफिकेशन जो है वो वॉलेंट्री प्रोसेस से, ठीक है ना। मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी बट इट इज, बट इट्स एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, इनवॉलेंट्री इट इज वॉलेंट्री क्योंकि अपनी वॉलेंट्री एफर्ट के थ्रू अपन डिफिकेट करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर एल्कोहल ग्लूकोज फ्रुक्टोज एमिनो एसिड टेक प्लेस लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, स्मॉल में हो जाता है, लेकिन सिंपल का तो हमें पता है स्टोमक में होता है, तो ये भी गलत हो गया। काइलोमाइक्रोन्स आर ट्रांसपोर्ट इनटू लैक्टियल बिल्कुल सही बात है, विच इज प्रेजेंट इन माउथ, माउथ में कोई लैक्टियल नहीं होती, इनकरेक्ट हो गया। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक एमिनो एसिड ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही बात है एक्जैक्टली, तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसका करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो गया फोर। ओके गाइस नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूओडेनम हैज ब्रूनर ग्लैंड बिल्कुल सही बात है, सब म्यूकोसा आइडियल है अपन को पता है ड्यूओडेनम की, जैसे ब्रूनर ग्लैंड होती है। कॉमन बाइल डक्ट बिल्कुल जहां से बाइल आता है, पेनक्रियाटिक डक्ट जहां से पेनक्रियास से आती है, ओपनिंग कॉमन ओपनिंग इन द ड्यूओडेनम एज द हिपेटो पेनक्रियाटिक बिल्कुल सही बात है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट उसमें एक तो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है और दूसरी वहां से बाइल लेके आती है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट दोनों कंबाइंड होकर किसमें जाती है अपन को पता है एम्पुल ऑफ वेटर में, और वहां से ओपन हो जाती है किसमें ड्यूओडेनम में, तो ये करेक्ट हो गया। चलिए साहब और ये भी करेक्ट हो गया दो, हिपेटोसाइट्स सिंथेसाइज, हिपेटोसाइट लीवर की सेल होती है बाइल को सिंथेसाइज करती है और बाइल पास होता है लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट में आता है बिल्कुल सही है, एंड ओपन डायरेक्टली कभी भी डायरेक्टली ड्यूओडेनम में ओपन नहीं होगी, इनडायरेक्टली हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू होती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है नेक्स्ट इनकरेक्ट पूछा है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएट इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में अपन को पता है केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ टाइनिल और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, तो ये हो गया आपके करेक्ट, इनकरेक्ट होगी नहीं, करेक्ट हो गया ना ये तो, करेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ इनमें से तीसरा वाला, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इनकरेक्ट थर्ड, तो आंसर हो गया इसका कौन सा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आप, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन यानी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, हमें पता है ट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, न्यूक्लियेज होता है, सारे ही होते हैं, करेक्ट आंसर फोर, ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें ढूंढना है, सीरोसा इज आउटर मोस्ट, हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल की चार लेयर होती है, एक सीरोसा होती है उसके बाद मस्कुलर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा होती है, उसमें सीरोसा सबसे बाहर वाली लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, विच इज मेडअप ऑफ थिन जो किसकी बनी हुई है मेसोथेलियम की होती है एंड सम कनेक्टिव टिश्यू यानी कुछ फाइबर्स भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया पहला वाला। लोअर सरफेस ऑफ टंग कंटेन स्मॉल प्रोजेक्शन पेपिल, लोअर नहीं है, लोअर की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पर अपर आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, लोअर गलत है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट अक्कर कंप्लीट रेक्टम, रेक्टम में कोई डाइजेशन नहीं होता, गलत है पूरा। चलिए नेक्स्ट आई, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर फैट एल्कोहल एंड मेडिसिन ऑल्सो अक्कर इन स्टोमक, फैट का कभी नहीं होता, ये भी गलत है, सिंपल शुगर और एल्कोहल का, सिंपल शुगर का होता ही है, आसम नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है जिनका होता है, वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है फिर भी अपन मेडिकली बात करें तो ऐसा होता है एब्जॉर्प्शन नॉन स्टीरोइड जैसे एस्प्रिन वगैरह जो ड्रग्स होती है ना जो अल्सर कोज करती है स्टोमक में उनका होता है, बट फैट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाए, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा आपके वन, क्वेश्चन नंबर एट का। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई बहुत फेमस क्वेश्चन है सिचुएटेड एट द, तो आप सभी को बताया स्पिंक्टर ऑफ जो ओडाई होता है वो अभी अपन ने कहा था हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग पर होता है, किसके होता है ओपनिंग ऑफ द हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हमें पता है यहाँ ड्यूओडेनम आती है, ड्यूओडेनम या हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या एम्पुला होता है यहाँ पर होता है स्पिंक्टर ऑफ ओडी, तो यहाँ से ही होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, बाकी सारे पाइलोरी कोई लेना देना नहीं, कॉमन बाइल डक्ट कोई लेना दे, हेपेटिक डक्ट से कौन है नहीं, कॉमन या हिपेटिक और पेनक्रियाटिक दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा निकाल लिया आपने सेकंड, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर क्या बनना, ग्लूकोज बनना। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो भी अपन एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में जाता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे नीड होती है वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वापस आपके कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ग्लूकोज में जब इसकी नीड होगी। ठीक है, तो क्या इस प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये तो वो हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, कभी भी फैट कार्बोहाइड्रेट से कभी फैटी एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए दोनों गलत हो गए। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में नहीं होंगे, ग्लूकोज हो जाता तो अपन कंसीडर करते हैं, लेकिन आगे क्या नॉन कार्बोहाइड्रेट वैसे ही गलत हो गया। ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, बहुत सिंपल सा ऑप्शन दे रखा है, ग्लाइकोजन किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है जब जरूरत होती है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया, 4 हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है क्या है। हॉर्मोनल कंट्रोल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन जीआईटी एक्टिविटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी। आपको बहुत अच्छे से पता है जो जीआईटी की एक्टिविटी होती है वो नर्वस सिस्टम एज वेल एज हॉर्मोनल रेगुलेशन के अंडर प्रोसेस में होती है, इवन लोकल नर्वस सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ओनली हार्मोन का कोई रेगुलेशन, अभी हम पढ़ते हैं सीक्रेटिन हुआ, कोलेसिस्टोकाइनिन हुआ, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, ये गलत है पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्टिविटीज ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल, बिल्कुल दोनों के, अभी मैंने बोला ही था जैसा आपको, दोनों के कंट्रोल में। ठीक है, ओनली न्यूरल कंट्रोल, ओनली नहीं हो सकता यहाँ, ओनली कैसे आएगा, दोनों है, हार्मोनल भी है न्यूरल भी है, तो गलत है, ओनली नहीं आएगा यहाँ पे। एंजाइम कंट्रोल जीआईटी एक्ट, एंजाइम कंट्रोल जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट, कभी भी एंजाइम नहीं कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन। एंजाइम का काम होता है केमिकल डाइजेशन करना, ना कि मूवमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है ना, गैस्ट्रिन हार्मोन हुआ या सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हुआ, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें एंजाइम्स का कोई रोल नहीं होता है, एंजाइम का रोल ओनली केमिकल डाइजेशन में होता है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा, सेकेंड वाला। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cells and their secretion are correctly matched? कौन सी properly match कर रहा है? Dust cell आप जानते हो alveoli में होती है जो present होती है। ठीक है, और digestive enzyme, इसका digestive enzyme से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, तो बिल्कुल गलत option है। Parietal cell, parietal cell stomach में होती है जिसका दूसरा नाम है oxyntic cell, जो क्या secretion करती है HCl का, तो correct answer हो गया HCl। ठीक है, beta cells of islets, beta cell क्या release करती है आपको बताइए, अल्फा सेल ग्लूकागोन करती है, अल्फा कौन सी रिलीज करती है, ग्लूकागोन। बीटा क्या रिलीज करती है, इंसुलिन, है ना, तो इंसुलिन अगर रिलीज होगा तो ब्लड, अगर इंसुलिन आ रहा है, इंसुलिन क्या करता है ये बताओ मुझे, ब्लड शुगर को क्या करता है, ब्लड शुगर को कम करेगा ना, कम करेगा इंसुलिन तो ब्लड शुगर, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द ब्लड शुगर, तो ये गलत हो गया, इंक्रीज नहीं होगा, इंसुलिन कम करता है और बीटा सेल से इंसुलिन आता है। पेनक्रियास सक्कस एंटेरिकसन एससीएल, पेनक्रियास सक्कस एंटेरिकस कब से करना है, सक्कस एंटेरिकस कौन सी करती है, ब्रश बॉर्डर्स एपिथीलियम करती है जो इंटेस्टाइन की होती है। दूसरा एससीएल सीक्रेशन कभी भी नहीं करेगी, कौन, पेनक्रियास, वो काम हो गया किसका, आपने जो ऊपर लिखा है पैराइटल, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, अवर लंग्स रिमूव अमाउंट ऑफ सीओ टू, हमारे जो लंग्स है वो कितनी सीओ टू को निकालते हैं बॉडी से बाहर, यानी कि लंग्स के थ्रू, 200 ml पर मिनट, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन ही 200 ml पर मिनट। ओल्ड जो एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी में इसके डाटा गलत लिखे हुए, तो आप अपडेट हो जाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया, पहला ही हो गया, ये कह रहा है 300 गलत है, ml पर मिनट 400 नहीं है, 500 नहीं है, एग्जैक्ट इज 200, तो करेक्ट आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम डीपली आप कितना ब्रीथ करते हो आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन, जब आपने क्या कर रखा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रखा हो और फिर आप फोर्सफुल इन ब्रीथ कितना कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात पूछ रहा है ये, तो आप इन ब्रीथ कितना कर सकते हो, यानी कि बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे बलून को अपन एक्सपांड करते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो दोनों चीजें हो रही है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी हो रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी हो रहा है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं टीवी इज इक्वल टू आईआरवी प्लस ईआरवी, इट मींस दैट इज वाइटल कैपेसिटी, तो ये वाइटल कैपेसिटी को शो कर रहा है, करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, पी ओ टू ऑक्सीजन 95, आप सबको पता है पी
O2 अगर आर्टरीज में अपन कंसिडर करते हैं तो 95 mm ऑफ Hg होता है, सही बात है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह रहा है, CO2 20-25 टाइम मोर सोल्युबल, बिल्कुल सही बात है ये भी। 90% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट बाई कार्बन, ना ये होती है कितनी, 90 की जगह इतना आना चाहिए यहाँ पर 70% होता तो ये सही हो जाता है। 97% प्रोटेक्टर हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। 97% जो होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड के अंदर। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, 90 की जगह 70 होता तो सही हो जाता, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपके थर्ड, तो ये आंसर हो गया थर्ड इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स यानी एवियस ह्यूमन रेस्पायर थ्रू, बिल्कुल सही बात है। चारों क्लासेस दे दिए, एम्फीबिया भी दे दिया, रेप्टाइल भी दे दिया, एवियस भी दे दिया और मैमल्स भी दे दिया। किसके थ्रू रेस्पायर करती है, हम लोग किससे रेस्पायर करते हैं, लंग से, क्यूटेनियस हम करते नहीं है, मोस्ट क्यूटिकल से करते नहीं है, गिल्स से हम करते नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम्फाइसीमा, आप जानते हो एम्फाइसीमा बेसिकली जो सिगरेट स्मोकर्स में होता है ना, वही एम्फाइसीमा है। इन एम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी सर्फेसिस क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी सर्फेस ज्यादा स्मोकिंग करने से एल्वियोली कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज कभी नहीं होगा, सम टाइम इंक्रीज कभी नहीं होगा इंक्रीज, और रिमेन कांस्टेंट वो भी नहीं, कांस्टेंट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर हो गया कि ऑलवेज डिक्रीज होता है, कौन सा, रेस्पिरेटरी सर्फेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई आई मीन टू से लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि GCV आपको निकालनी है। सबको पता है कार ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू अगर अपन बात करें है ना, तो बॉम कैलोरीमीटर से अपन लोग मेजर करते हैं इसको, तो वो कितनी आती है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। करेक्ट आंसर दिया हुआ आपके फर्स्ट फाइव का, ये तो अलग ही आ गया, ये अलग आ गया, ये अलग है, बिल्कुल ये तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू आ गई आपके फैट की। ठीक है, तो ये गलत है फोर्थ वाला ऑप्शन भी, करेक्ट आंसर हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ वुमन, वुमन का डेंटल फॉर्मूला सबको याद है, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नीट में कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ आते हैं, कुछ एवरेज आते हैं, हर तरह की वैरायटी आपको मिलती है क्वेश्चंस में ना, वैसा ही पेपर सेट हुआ है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ वुमन इज 21-23, पहले ही हो गया, 22 गलत, 20 गलत हो गया, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको लोकेशन बतानी है किसकी, थोरेसिक चेंबर इज फॉर्म्ड बाय, ये जो हमारा थोरेसिक चेंबर है इसके फ्रंट में यानी एंटीरियर में यानी वेंट्रल साइड में कौन है, आपको पता है स्टर्नम है, तो ये कह रहा है स्टर्नम किधर, वेंट्रल, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वेंट्रल, ये लो वेंट्रल साइड में कौन है, स्टर्नम, एंड बाय द थोरेसिक, बाय द थोरेसिक मतलब कौन सी साइड में, डोर्सल साइड में कौन सी आ गई, थोरेसिक, यानी एक आ गया वेंट्रल, एक आ गया डोर्सल। ठीक है, तीसरा लिख रहा है रिप्स, रिप्स कौन सी साइड में होती है, साइड में होती है तो कौन सी होगी, लेटरल साइड, तो ये होगी कौन सी, लेटरल साइड, तो ये आ गया लेटरली। ठीक है, एंड एंड रिप्स एंड ऑन द साइड ऑफ डोम शेप डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम हमेशा कहाँ होता है, अपने एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है, लोअर साइड में होता है थोरेसिक केज में, तो आ गया कौन सा, लोअर, तो यहाँ आ जाएगा लोअर, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, वेंट्रली, डोर्सली, लेटरली एंड लोअर साइड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अबाउट 1100-1200 ml ऑफ एयर Always known as the remaining inside of the lungs, it is described as, ये पूछ रहा है कि जो lungs के अंदर हम forceful expiration कर लेते हैं फिर भी lungs के अंदर air बची रहती है जिसको अपन कभी नहीं निकाल सकते, जिसको respirator spirometer से अपन measure नहीं कर सकते हैं ना, वो कौन सी होती है, तो सबको पता है इस value को देखकर भी आप answer निकाल सकते हो, कौन सा, residual volume, कौन सा, residual volume, हिंदी में पूरा लिखा हुआ देखो, अवशिष्ट आयतन। ठीक है, नेक्स्ट, तो आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिजीज होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जैसे सिलिकोसिस हुआ, बायोजिनोसिस हुआ है ना, सिंडरेलोसिस हुआ, बहुत सारी ऐसी है जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को होती है, चाहे वो कोल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो डस्ट कटिंग इंडस्ट्रीज यानी स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज हो, सब में कोई ना कोई सफर करता है किसी ना किसी रेस्पिरेटरी डिजीज से ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से। तो ये कह रहे हैं, पहला लिख रहा है, इट नॉट ऑकर्स इन द वर्कर्स ऑफ ग्राइंडिंग स्टोन एंड ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, जो पत्थर वत्थर काटते हैं करते हैं जहाँ पर जो काम करते हैं उनको ये डिजीज नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है, होती है, नॉट लगा हुआ है इसकी, ये रॉन्ग हो गया।
नेक्स्ट, लॉन्ग एक्सपोजर टू द डस्ट कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन ऑफ द फाइब्रोसिस। बिल्कुल सही बात है, लंग के अंदर फाइब्रोसिस होने लग जाता है, वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है और लंग क्या होने लग जाते हैं, जो हार्ड है वो कंसोलिडेट होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए डेफिनेटली वहाँ पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ टोबैको चीविंग से नहीं होता है, टोबैको चीविंग से कैंसर हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर टोबैको चीविंग नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग होता तो सही होता है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव ग्लव्स। ग्लव्स से नहीं होता, ग्लव्स तो हाथ में पहने जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगर ये होता मास्क तो सही हो जाते, इसलिए ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, करेक्ट ही पूछा इन्होंने, ये आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच कंडीशन आर फेवरेबल फॉर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो आपको बहुत अच्छे से बताया, आप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो बनाते हो तो आप देखते हो इधर ग्राफ, या तो ये जाएगा कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, या ये जाएगा कौन सी, राइट साइड में, करेक्ट, लेफ्ट और राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में आता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या होती है, अटैच होती है, यानी कि क्या होता है, ये एसोसिएशन होता है, ध्यान रखना। और जब राइट में जाएगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगी, यानी कौन सा हो जाएगा, डिसोसिएशन। और ये कुछ फैक्टर्स कौन से हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, जो ग्राफ को किधर लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में। एसोसिएशन का मतलब आते ही आपको क्या समझ आना है, ग्राफ को किधर लेके आना है, अपन को लेफ्ट साइड में मूव कराना है, ठीक है। तो लेफ्ट में लाने के लिए आपको क्या चाहिए, PO2 का प्रेशर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, PCO2 का प्रेशर आपको कम चाहिए, और एच आयन कंसंट्रेशन PCO2 कम है तो कम हो जाएगी, pH क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और टेम्परेचर नो डाउट एल्वियोलाई में क्या होता है, कम होता है। ये कुछ फैक्टर्स है जो ग्राफ को एसोसिएट करेंगे, यानी आई मीन टू से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन को अटैच करेंगे और ग्राफ को किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में। तो अब मैच करा लीजिए, PO2 हाई होना चाहिए, ये कह रहा है PO2 लो, कैंसिल, PO2 हाई बिल्कुल सही बात है, लो बिल्कुल सही बात है, लो एच बिल्कुल सही है, और लो टेम्परेचर, तो सेकेंड आंसर हो गया, ये लो उड़ गया, लो उड़ गया, ऐसे उड़ गया। देखो आपको एक ऑप्शन मिलाने की जरूरत है, आपको टाइम बच सकता है अच्छा खासा ऐसे क्वेश्चन में। चलिए साहब, करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लीजिए, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट इन, यानी ओपन आपको पता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर ओपन होता है, और एनेलिडा और कोर्डेटा के अंदर क्लोज होता है। तो आर्थ्रोपोडा में भी ओपन है, इसमें भी ओपन है, इसमें भी ओपन है, इसमें क्लोज है, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो करेक्ट आंसर हो गया दोनों में ओपन है, इसमें करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक का मतलब आपको बताइए, ADH हार्मोन की बात कर रहा है, और ADH हार्मोन जो होता है उसका सिनोनिम्स क्या होता है, बताइए आपको क्या होता है, वेसो लिखा हुआ है, देखो ये रहा वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन का मतलब है ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसलिए नाम रखा वेसोप्रेसिन। तीसरा एक और नाम है इसका, इसका नाम है पिट्रेसिन, क्या नाम है बेटा, एक्स्ट्रा नोट कर लें आप, कौन सा, एडिशनल नोन इज पिट्रेसिन, ओके। ऑक्सीटोसिन का कोई लेना देना नहीं, एड्रेनालिन का नहीं, कैल्सिटोनिन का नहीं, करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, सेकंड, वेसोप्रेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, चलिए, मैच द टर्म्स विच गिवन फर्स्ट सेकंड एंड दियर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गिवन इन कॉलम सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मैच करना है और करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फटाफट आप इसको मैच कराना शुरू कीजिए, कौन किससे मैच करेगा भाई, बहुत इजी सी बात है, ये मैच कराइए आप फटाफट इसका, देखिए आप PCT प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और PCT जो होती है वो बेसिकली मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सबका करती है, ठीक है, कहाँ पर, PCT भी, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, और ब्रश बॉर्डर होने की वजह से वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया इसका, ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया जी, क्लियर है। अब आइए आप, ए का थर्ड किस किस में आ रहा है, इसमें फोर आ रहा है, इसमें फोर आ रहा है, इसमें वन आ रहा है, करेक्ट। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट, करेक्ट। आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अगर आप एक ऑप्शन को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो आप उसको इलिमिनेट करना सीखिए, फटाफट ऑप्शन को इलिमिनेट कर, देखो अपन ने सिर्फ एक मैच कराया जिसमें अपने आंसर आ गया, क्योंकि इसको पता है अपन को 100% श्योर है कि ये आएगा इसके अंदर, PCT के अंदर, और कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। तो देख लो, आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसलिए टाइम बच गया ना, एक एक को मैच कराते कम से कम आपके 20 सेकंड खराब होते हैं, यहाँ पर 20 सेकंड आपने बचा लिए, ऐसे करोगे तो कम से कम 10 मिनट बच जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लोगे आप, टाइम का लफड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके आंसर फर्स्ट, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नीट में दिए जाते हैं, लास्ट ईयर का पेपर देखिएगा, प्रीवियस ईयर का, उसमें ऐसे क्वेश्चन है, अगर एक भी मैच कर रहे हो तो आंसर आ रहा है, ये टाइम बचाने का
जो इसमें लगे रहते हैं चारों मिलाने में जबरदस्ती, उनका टाइम फिर क्या हो जाता है, कम पड़ता है। फिर कहते हैं पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी नहीं था, हमने टाइम का प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई अपने कि कैसे मैनेज करना है आंसर को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन को इलिमिनेट करना सबसे बड़ी ट्रिक होती है सक्सेस की। सीक्रेशन ऑफ ANF, एट्रियन एट्रियोटिक फैक्टर, आप सभी जानते हो स्टिमुलेटेड, यानी कि ANF कब आएगा अपन को पता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हार्ट के एट्रिया में लोड पड़ता है, लोड पड़ता है तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, ANF। तो आप देख लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ये कह रहा है हाइपरग्लाइसीमिया कि ब्लड शुगर ज़्यादा होने से कोई रोल नहीं है। हाइपोटेंशन, इसका मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाइपो कम, टेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम। लो लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है भाई ब्लड प्रेशर का। हाइपरटेंशन, बिल्कुल ब्लड प्रेशर ज़्यादा, तो करेक्ट आंसर हो गया हाइपरटेंशन, यानी ये देख लो हाइपरटेंशन, तो करेक्ट आंसर हो गया, हिंदी में कहते हैं उच्च रक्तदाब यानी कि हाइपरटेंशन। नेक्स्ट करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, गिफ्टेड नंबर होते हैं, आपको ABCD को इस डायग्राम से पहचानना है और आंसर निकालना है। बिल्कुल देखिए आप, ए क्या है, अगर ए को निकालोगे आप तो आपको ये मिलेगा रीनल, NCERT के अंदर आप बुक ओपन करके देख लीजिएगा, ये है रीनल कॉलम, करेक्ट। चलिए फिर लिखा हुआ है मेडुलरी पिरामिड, ये आ गया बी, मेडुलरी पिरामिड सही है। सी लिख रहा है कॉर्टेक्स, ये रहा कॉर्टेक्स पार्ट बाहर वाला। यू डी यूरेटर, यूरेटर लो पहला ही आंसर आ गया यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, मैच कराना है मतलब गिफ्टेड है। GFR इन हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, GFR कितनी होती है एक हेल्दी बंदे में, अपन सबको पता है 125 ml/min देख लेना ध्यान से, यूनिट पे फोकस करना। 12 रॉन्ग, 180 रॉन्ग, करेक्ट आंसर 2, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दे कंसीडर द फॉलोइंग, फोर स्टेटमेंट दिए हैं आपको, इनको आपको कंसीडर करना कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स। एट्रियन एट्रियोटिक फैक्टर कैन कॉजेज वेजोडाइलेशन, बिल्कुल सही बात है, वेजोडाइलेशन करता है एंड देयर बाई इंक्रीज, इंक्रीज नहीं बच्चों क्या आएगा डिक्रीज, तो ये गलत हो गया। अगर वेजोडाइलेशन हो रहा है, वेजो ब्लड वेसल्स स्प्रेड हो रही है, तो उसके अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वेजोडाइलेशन हुआ ना, तो ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, इंक्रीज, कि ये बढ़ा देता है, बढ़ा नहीं देता, ये घटा देता है, ये गलत है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑन एवरेज 25-30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे, बिल्कुल सही बात है, इतना यूरिया अपनी 24 आवर्स में निकलता है। नेक्स्ट, सीबीएसएस ग्लैंड इलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस, सीबीएसएस ग्लैंड और आपको बताइए ये सब एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं लीवर वगैरह, लाइक क्या क्या रिलीज करता है, NaCl, कभी भी NaCl नहीं करता है, स्वेट ग्लैंड करती है, यूरिया ये भी स्वेट करती है, लैक्टिक एसिड ये सब लेना देना, आर द सीबम, नो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट आंसर है। चलिए साहब इसमें तो बहुत सारे क्लूज है जिससे आप कह सकते हो ये गलत है। PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, सिंपल क्यों, विच इज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द, बिल्कुल सही बात है कि जो PCT है उसके अंदर मैंने पहले भी बताया आपको कि ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होती है और ब्रश बॉर्डर की वजह से रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है 70-80%, तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से हो गए देखो आप, ये लिखो आप फॉल्स, पहला फॉल्स किस में, ये दो ऑप्शन उड़ गए देख लो आप, इसमें ट्रू आ रहा है, दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए पहला, दूसरा कौन सा ट्रू, दूसरे में ट्रू कहाँ आ रहा है, दोनों में आ रहा है देखो, वेरी गुड। तीसरा 100% एफ आना चाहिए, 100% एफ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है ट्रू, तो करेक्ट आंसर हो गया 1। इस तरह से इलिमिनेट कर लो आप फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन लीजिए, अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप जो है उसकी एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, और एंटीजन हमेशा हम पता है RBC की सरफेस पर होती है और एंटीबॉडी होती है जो उसके ब्लड के प्लाज्मा में होती है, ठीक है। तो ऑन RBC सरफेस, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी होगी, तो ये गलत हो गया। WBC का कोई लेना देना नहीं, प्लेटलेट कभी ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करती ही नहीं है, ब्लड ग्रुप डिसाइड ये करती है, तो करेक्ट आंसर हो गया 1। ओके गाइस, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑस्मोलरिटी ऑफ किडनी, किडनी के अंदर ऑस्मोलरिटी आपको बतानी है। ये कह रहा है कॉर्टेक्स में 200 नहीं होती, 300 होती है, हमको सबको पता है। कॉर्टेक्स में 500 गलत, मेडुला में 1200 होती है, कॉर्टेक्स में 300 होती है, ये करेक्ट, मेडुला में 300 कभी नहीं होती, कॉर्टेक्स में 1000 कभी नहीं होती, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 3rd, ये ऑस्मोलरिटी को क्लियरली डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टा, आप जानती हो किसके अंदर, अपने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो हियरिंग प्रोसेस होता है अपना, कौन सा होता है, हियरिंग प्रोसेस, यानी कि ईयर के अंदर आपको बताइए कौन सा हियरिंग एपरेटस है, ये कैसा है, हियरिंग
एपरेटस का एक क्या ये रिसेप्टर है। और अपन को पता है तीन पार्ट होते हैं उसके, कौन कौन से, इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये जो स्केला वेस्टिबुलाई ना, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेसिलर मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से यहाँ सेल्स बनती है जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो मॉडिफिकेशन किसका है ये, कहाँ पर लोकेटेड है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कॉर्टाई का ऑर्गन कहाँ पर है, बेसिलरी मेम्ब्रेन। रीजनर तो ये ऊपर वाली रीजनर से है ना, तो ये गलत हो गया। टेक्टोरियल तो इसके अंदर होती है ऊपर इस तरह से, वो भी गलत हो गया। बोथ सेकंड एंड थर्ड ना, ओनली बेसिलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से ढूंढना है। ईच किडनी हैज नियरली 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। ईच किडनी नहीं रख सकती ना, दोनों की बात करें तो अपन कह सकते हैं 1 मिलियन 1 मिलियन, ठीक है, ये गलत हो गया। ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यस बिल्कुल सही बात है। बोमेंस कैप्सूल इज ए डबल वॉल्ड, यस कप लाइक स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग द कैपिलरी नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है। ग्लोमेरुलस अलोंग विथ पीसीटी इज कॉल्ड मेलपिगन, ना अलोंग विथ पीसीटी नहीं होगा, अलोंग विथ बोमन कैप्सूल होगा, तो ये गलत है। यहाँ पर बोमन कैप्सूल होता तो सही होता, ये गलत है। नेक्स्ट, PCT and DCT are connected by Henle loop. बिल्कुल सही बात है, ये Henle loop है, इधर से PCT connect है, इधर से DCT connect है, ये सही है। तो कौन कौन से पूछे इसमें से, करेक्ट पूछे, करेक्ट कौन सा है, बी सी और ई, बी सी ई, ये लग पहले याद है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, फर्स्ट, बी सी एंड ई आर करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पॉन्स प्रॉन्स हैव विच एक्सक्रीटरी। ये जो पॉन होता है इसकी अब आप जानते हो बहुत अच्छे से कि ये बेसिकली क्रस्टेशंस में होता है जिसमें एंटीनल और प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है ना क्रस्टेशंस के अंदर, प्रॉन्स जो लिखा हुआ है इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, एंटीनल ग्लैंड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एंटीनल ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टेशंस, करेक्ट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आओगे आप, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द थ्री लेयर्स। अपन को पता है कि जब बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर आता है रीअब्सॉर्प्शन, फिर आता है सीक्रेशन। तो पहला वाला जो प्रोसेस है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है, ब्लड कैपिलरीज आती है एफरेंट आर्टेरियल जो ग्लोमेरुलस बनाती है, और फिर वो फिल्टर होकर किसमें आता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है। वह तीन लेयर होती है ना, तो ये थ्री लेयर्स की बात कर रहा है कि कौन सी उनमें से एक वो लेयर प्रेजेंट है जो इसमें लिखी हुई है। एंडोथीलियम और पीसीटी, एंडोथीलियम ब्लड वेसल होती है, पीसीटी की नहीं होती, वो एफरेंट आर्टेरियल की हो सकती है, ग्लोमेरुलस की हो सकती है, वो ओपन कंसिडर होती है। ये तो कह रहा है पीसीटी की तो गलत है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल, बिल्कुल सही बात है, एंडो ग्लोमेरुलर का मैंने अभी बोला ही था ग्लोमेरुलर वाली होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंडोथीलियम ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट का कोई लिंक ही नहीं है, टू एंड थर्ड, बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, कि भाई ग्लोमेरुलस की जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या बनाती है, इसमें थ्री लेयर्स का एक पार्ट है जहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, देखिए फाइंड आउट द करेक्ट एबीसीडी को आपको रिकॉग्नाइज करना है इसके अंदर। अब आप एबीसीडी को रिकॉग्नाइज करोगे तो सबसे पहले देखो अपनी ईयर के बारे में रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, और ईयर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या क्या दे रहा है। इधर देखिए आप, सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक दूसरा होता है ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ, बिल्कुल सही बात है, दो ही तो होते हैं जो अपने ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ, ये दो ही ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, एक स्टैटिक बनाता है और एक डायनेमिक बैलेंस बनाता है। अब ये आ गया सबसे पहले ऑर्गन ऑफ, ये देखो ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ का है, ए सेक्युलस गलत हो गया, ऑटोलिथ ऑफ ऑर्गन सही, ऑटोलिथ ऑफ ए क्रिस्टा, ये उड़ा दो, ऑप्शन इलिमिनेट हो गए एक में। फिर इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूट्राइकुलस और एक होता है सेक्युलस। अब आप देखो किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, बी फोर कोई भी ले लो, सेक्युलस एंड यूट्राइकल, बिल्कुल सही बात है, ये क्या कह रहा है, सेक्युलस यूट्राइकल, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो गया। और डी सेक्युलस और यूट्राइकल जो होते हैं है ना, उसके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है मैक्यूला, कौन सी होती है मैक्यूला, इसके अंदर ये है मैक्यूला, सेंसरी स्ट्रक्चर है, सेंसरी रिसेप्टर है, ये आ गया मैक्यूला, ठीक है ना। और ये क्या दे रहा है, इधर क्या दे रहा है, ये डी को क्या दे रहा है, देखो आप सी को मैक्यूला दे रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला उड़ गया, सेकेंड देखो आप क्या दे रहा है, एम्प्यूला, एम्प्यूला कभी नहीं होता है, एम्प्यूला किसके अंदर है आपको पता है, एम्प्यूला तो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल में जहाँ पर क्रिस्टा एम्पुलरिस आपने वर्ड पढ़ा होगा, जब क्रिस्टा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तो वो तो उसका पार्ट है, किसका, सेमी सर्कुलर का, तो यहाँ नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आप इसका,
थर्ड ई तो आपको पता ही है, ई को कहने की जरूरत ही नहीं, ई क्या आ जाएगा, ई वाला ई जो है वो कौन सा आ गया, एम्पुला। एम्पुला किसका पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल का डायलेटेड पोर्शन होता है इनिशियल वाला, जिसे बोलते हैं अपन एम्पुला। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब ये पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द थ्री लेयर्स ऑफ सेल इन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ध्यान रखने ना, यहाँ पे हमेशा पढ़ा करो आप, आउटसाइड से क्या बताना है, इनसाइड की ओर जाना है आपको, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड। तो आपको पता ही रेटिना में तीन लेयर होती है, सबसे बाहर होती है वो होती है फोटोरिसेप्टर सेल, फिर आती है बाइपोलर, फिर आती है गैंग्लियोनिक। पहले आउट से इन जा रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियोनिक। अगर ये तो हो गया आउट टू इन, अगर इन टू आउट होता तो ये अपोजिट हो जाता। करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फोर। ये लिखा हुआ है लास्ट वाला, ये देख लो, ये क्या कह रहा, बाइपोलर ना, गैंग्लियोनिक ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। नेक्स्ट चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है, ठीक है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट होते हैं, इनकरेक्ट बताना। फिजियोलॉजिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो यहाँ फिजियोलॉजी की जगह क्या आएगा बच्चों, एनाटोमिकली आना चाहिए, और सिक्स की जगह क्या आना चाहिए था, थ्री, इसलिए गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना, बिल्कुल, एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। आउटर ईयर के दो ही पार्ट होते हैं, एक तो पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है, ठीक है। चलिए साहब, ये करेक्ट हो गया आपके कौन सा, बी। अब आ रहा है द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर विद इन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन आउटसाइड आउटसाइड एंड विथ स्किन इनसाइड। ये कह रहा है कि जो ईयर ड्रम है जिसको अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो कह रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन आउटसाइड। म्यूकस मेम्ब्रेन आपको पता है कभी आउटसाइड नहीं होती, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इनसाइड। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है, इनसाइड, आप पढ़िएगा बुक के अंदर अच्छे से। म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड होती है, बाहर होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन, ये होते हैं कहाँ, बाहर की तरफ। तो ये कह रहा है उल्टा लिखा है यहाँ पर, इनसाइड स्किन, इनसाइड कमी नहीं होती, स्किन कहाँ होती है, आउटसाइड, तो ये इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, द ईयर ओसाइकल रिड्यूस, कभी भी रिड्यूस नहीं करती, हमेशा इंक्रीज करती है एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स। चलिए ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड, बिल्कुल सही बात है, पिन्ना साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड को क्या करता है, कलेक्ट करता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मीटस में सेंड करता है। तो इसमें क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा ना, तो इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए देख लो आप, ए इनकरेक्ट हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया, और ई, ए बी और ई। अब ऑप्शन देखो ऐसे दिए, बहुत शानदार ऑप्शन सेट किए हमें, ए और बी, देखो इसमें ए तो क्या आ रहा है इनकरेक्ट, लेकिन बी क्या आ रहा है करेक्ट, ये नहीं होगा, हम दोनों इनकरेक्ट ढूंढने, ये दोनों करेक्ट हैं, ये सी और डी, सी और डी दोनों इनकरेक्ट है, ये सही हो गया, डी और ई करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया इसका थर्ड, कौन सा, ये लीजिए। ऑप्शन की जो सेटिंग कर रखी है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से कर रखी है, ताकि बच्चे को टाइम भी खराब हो और कंफ्यूज भी हो, ठीक है ना। तो ध्यान ना, सी और डी दोनों क्या है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा, थर्ड, थर्ड इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आ गया द पॉइंट ऑफ आई वेयर द विजुअल एक्टिविटीज रिजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट, जहाँ पर सबसे ज्यादा विजुअल एक्टिविटी होती है, जब शार्पेस्ट विजन होता है, जब क्लियर विजन होता है 100%, वो होता है कौन सा, फोविया। कहाँ पर होता है, फोविया, जहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर इमेज बनती है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। मैक्यूला ल्यूटे नहीं आएगा, मैक्यूला ल्यूटे थोड़ा पीछे आ जाता है, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटिया कोई मतलब नहीं, ब्लाइंड स्पॉट तो वहाँ इमेज ही नहीं बनती है, ज्यादातर स्टूडेंट मैक्यूला ल्यूटिया का सोचते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया थोड़ा सा उसके पीछे का पार्ट होता है साइडवेज का, एग्जैक्टली जो होता है वो फोविया होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिप्रेस्ड पार्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी क्या स्ट्रक्चर है, तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो आप इसके अंदर ए बी सी डी को सर्च कर लीजिए, फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ढूंढना शुरू कीजिए आई की स्ट्रक्चर में। चलिए फर्स्ट आप देखिए कौन सी है, ये आ गया कौन, फोविया, ये आ गया फोविया, ठीक है। तो ए में देखो कहाँ है फोविया, ए में ब्लाइंड स्पॉट दे रहा है, गलत, ए में ब्लाइंड स्पॉट दे रहा है, गलत, ए क्या है, ए में फोविया दे रहा है, बिल्कुल सही है, और इधर क्या दे रहा है, ए में ये भी फोविया दे रहा है, ये भी सही है। अब आइए बी में, बी क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो ब्लाइंड स्पॉट, बी ब्लाइंड स्पॉट किसमें आ रहा है, दो ऑप्शन तो उड़ गए आपके, ये लो बी ब्लाइंड स्पॉट, ये रहा बी ब्लाइंड स्पॉट, ये भी आ रहा है बी ब्लाइंड स्पॉट, ये भी आ रहा है, दोनों सही आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए सी आइए, सी कौन सी लेयर है, ये कौन सी लेयर आ गई आपके, कोरोइड लेयर है, कौन सी है, कोरोइड, ये कोरोइड है और ये डी रेटिना है,
ये आगे कौन सी, कोरोइड, बिल्कुल सही है। और इधर भी सी में क्या आ रहा है, कोरोइड, वेरी गुड। और इधर क्या आ रहा है, डी, डी में क्या दे रहा है, रेटिना। डी में देखो आप, डी ए बी सी डी, डी में ये रहा रेटिना, ये डी में क्या दे रहा है, ये डी में कोरोइड दे रहा है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये सी में दे रहा था, ये हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपके, फोर हो गया। ओके गाइस, डी रेटिना है, देखो आप ध्यान से देखो, डी रेटिना है। और सी ई जो है वो स्क्लेरा है, सी बोले तो ये ई है बेसिकली, यहाँ पर छोटा थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, ये ई है, ठीक है ना, ये वाला जो है वो सी है। ओके, तो ई और सी में कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन देखोगे तो मिल जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा, फोर, मैचिंग है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्ट अबाउट साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट के बारे में क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बिल्कुल साइनोवियल होता है, पीवोट साइनोवियल, हाइंस साइनोवियल, ग्लाइडिंग साइनोवियल, ऑल आर, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, सारे साइनोवियल है, सारे साइनोवियल है। करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फटीग, जिसमें टाइर्डनेस आने लग जाती है, वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, कौन सा, सीधी सी डेफिनेशन है इसकी, कौन सी, मायस्थीनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर फर्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक होती है, ऑस्टियोपोरोसिस से लेना देना, टिटेनी कैल्शियम डेफिशिएंसीज होती है। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, कॉलम मैचिंग करना शुरू कीजिए आप, कॉलम आ गए वापस से मैच कराइए। सबसे पहला है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अभी मैंने कहा था जेनेटिक डिसऑर्डर है, कौन सा आ गया, थर्ड, मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर देख लो, वेरी गुड। टू, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट। और डी में देखो आप, टिटेनी, टिटेनी रैपिड मसल, रैपिड स्पाज्म इन द मसल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कम होगा तो मसल में क्या आएगा, इनवोलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, तो रैपिड स्पाज्म आएगा, तो ये हो गया इसका कौन सा, फोर। गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, फाइव, तो जोड़ लो आप, 3 2 1 4 5 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप, चूज द करेक्ट मैचिंग, एक तरफ साइनोवियल जॉइंट दिए हुए, उधर आपके बोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है उसको बता रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन बनाता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है ह्यूमरस और शोल्डर गिर्डा, बिल्कुल इसका हो गया फाइव। हिंज जॉइंट कौन बनाता है, हिंज जॉइंट आप समझ जाओगे कौन सा है, एक तो एल्बो हो गया और एक नी हो गया, तो नी जॉइंट बोन्स इन्वॉल्व होती है, फोर। क्लियर, अब देख लो, पहले में फाइव है, एक में फोर है, फाइव किस में आ रहा है, ये रहा, दूसरे में कौन है, फोर, ये उड़ गया ऑप्शन, ये उड़ गया, दो बज गए। पीवोट जॉइंट आप सभी को पता है, पीवोट जॉइंट जो होता है वो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, टू। अब देखो सी में टू किस में आ रहा है, सी में टू, सी कहाँ गया, सी में टू कहाँ गया, फ्रंटल और पैराइटल, सैडल, ये आ गया फाइव। ओके नेक्स्ट आइए आप, इसके अंदर कौन सा रह गया, हिंज जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट किसके बीच में आ गया अपने को बताइए, और डी सैडल किस में आ जाएगा, कार्पल और मेटा कार्पल में, सेडल कहाँ गया, ये रहा कार्पल, ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब आप इसको मैच कराइए, कौन सा, फाइव फोर टू डी वन, ओके फाइव फोर, तो फर्स्ट ही आंसर हो गया इसका, ये लीजिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, अब इसमें देखो आपको एक स्कल दे रही है, स्कल के अंदर आपको ए बी सी डी फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी फ्रंट वाली कौन सी बोन है, फ्रंटल, ये कौन सी है, पेराइटल, ये कौन सी है, टेम्पोरल, ये कौन सी है, ऑक्सिपिटल, है ना। तो ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करना बहुत सिंपली, तो आप ये फाइंड आउट कर लोगे, है ना, ए बी सी डी। तो देखो आप थर्ड में देखो आप, पेराइटल बोन, बी कौन सी है, पेराइटल, डी कौन सी, ऑक्सिपिटल, ए कौन सी है, फ्रंटल, और सी कौन सी है, टेम्पोरल। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, थर्ड, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से जो आपको पहचाननी है, डायग्राम के अंदर लेबलिंग कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, फोर ब्रेन जो हमारा होता है वो किससे बना हुआ है, तीन पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हो गया कौन सा, अपने सेरिब्रम जो सबसे लार्जेस्ट होता है, ये तीनों ही मिक्स होते हैं इसके अंदर, ओनली थैलेमस, ना ना ना, ऑल ऑल पार्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आप, गाउट भी अपने बात है, गाउट, गाउट जो होता है बेसिकली किसकी वजह से होता है, यूरिक एसिड की वजह से, ये जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं और उसे बोलते हैं अपन गाउट, जिसकी वजह से जॉइंट में फ्रिक्शन होता है और इन्फ्लामेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ना, लो कैल्शियम ना, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट, करेक्ट, लो यूरिक एसिड, लो तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा ना, लो कैसे होगा, यूरिक एसिड की क्या कह रहा है, डेफिशियंसी ना,
तो करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा, थर्ड, यूरिक एसिड के क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज सराउंडेड बाय विच फ्लूइड। अपन को पता है कंप्लीट जो ईयर है वो कंप्लीटली आउटरली यानी कि इंटरनल ईयर की बात कर रहा हूँ, वो किससे सराउंडेड है, पेरिलिम्प से। तो हमेशा ईयर को सराउंड करने वाला पेरिलिम्प होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या मिलता है अपन को, एंडोलिम्प, जैसे स्केला मीडिया हुआ है ना, कॉकलिया हुआ, इनके अंदर अपन को कौन सा मिलता है, मेम्ब्रेनस, जो इनसाइड की ओर होता है, और आउटसाइड जो होता है वो कौन सा होता है आपके, आपको पता ही, पेरिलिम्प। तो सराउंडेड कौन करके रख रहा है, पेरिलिम्प। तो करेक्ट आंसर पेरिलिम्प, नॉट एंडोलिम्प। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करने है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड, अब ध्यान से सुनिए, एक्सोप्लाज्म, ये मैंने एक्सोन बना दिया सपोज करो, ये इसका इनसाइड है, तो ये कह रहा है एक्सोप्लाज्म न्यूरॉन का है, एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सोन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, अंदर कभी भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम नहीं होगी, अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटेशियम की, तो ये गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट आइए, अगला क्या कह रहा है, गलत हो गया मतलब ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन, अब दूसरा ले लो, ये एक्सोप्लाज्म आगे इनसाइड आउटसाइड, एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सोन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, अंदर लो कंसंट्रेशन होती है, बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम की ज्यादा होती है, ये सही है आपके, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, द फ्लूड आउटसाइड द एक्सोन, ये फ्लूड आउटसाइड एक्सोन के अंदर लो कंसंट्रेशन सोडियम, सोडियम तो बाहर हमेशा क्या होता है भाई साहब, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, द फ्लूड आउटसाइड द एक्सोन, फिर बनाओ डायग्राम, फ्लूड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, बाहर बिल्कुल सोडियम ज्यादा होता है, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, एंड नेगेटिवली चार्ज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव चार्ज वाले ज्यादा नहीं होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया बार तो बार नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव की जगह, इसलिए नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, कम होता है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये फॉल्स है। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला कौन सा है, फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स एक में आ रहा है, देख लो, सेकेंड वाला ट्रू है, सेकेंड वाला ट्रू है, फिर फॉल्स है, फॉल्स ये लीजिए करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद ये फोर्थ वाला आप लोग इसमें से लिमिस्टेक कर सकते हो, ये एक्सोन करने हाई कंसंट्रेट सोडियम, यहाँ तक पढ़ा था अब तक तो सही है, आगे एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बार आउटसाइड ऑफ द एक्सोन लेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया है। तो आपको ऑप्शन को कभी कभी पूरा नहीं पढ़ते तो भी आधा पढ़ के टिक कर देते हैं, तो उसे सिली मिस्टेक में आ जाता है, पूरा पढ़ लो आप इसे अच्छे से, है ना। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट, आप सभी को पता है ये आगे एक्सोन, इसके ऊपर ये पंप आ गया सोडियम पोटेशियम, ये तीन सोडियम को क्या निकालता है, बाहर निकालता है, और दो पोटेशियम को क्या लेकर आता है, अंदर लेकर आता है, इसलिए नाम हो गया थ्री सोडियम टू पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है। तो इसके अंदर आप आंसर बहुत ईजिली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तीन सोडियम आउटवर्ड टू पोटेशियम इनटू द सेल, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें ये पूछ रहा है, डेंड्राइट्स आर शॉर्ट फाइबर, डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं बिल्कुल, विद ब्रांच, और एंड में क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और एंड में क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, तो बिल्कुल सही है ये वाला, फर्स्ट करेक्ट है। एक्सोन आर शॉर्ट, एक्सोन कभी भी शॉर्ट नहीं होता, एक्सोन हमेशा लॉन्ग होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन कंटेन साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल नीजल के सब कुछ होते हैं, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट, द डेंड्राइट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये डेंड्राइट, ये लो मैं बना देता हूँ, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, और ये इसका एक्सोन है लंबा सारा, ठीक है। द डेंड्राइट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द डेंड्राइट तो हमेशा लाते हैं टूवर्ड्स सेल बॉडी होते हैं, अवे नॉट अवे फ्रॉम, टूवर्ड्स सेल बॉडी, ये हो गया इनकरेक्ट। अब आप देख लो कौन सा सही है, ओनली वन इज करेक्ट, सॉरी ओनली वन एंड थर्ड इज करेक्ट, कहाँ गया, वन एंड थर्ड इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, सेकंड, वन भी सही है, देख लो आप सेल बॉडी वाला भी और डेंड्राइट वाला, तो वन भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, ओनली थर्ड नहीं है, वन भी है और थर्ड दोनों है, ठीक है ना, वन सेकंड, सेकंड उड़ गया, सेकंड उड़ गया, ओनली ये भी सही हो जाता अगर मैं फटाफट करता, लेकिन आपको पता वन वाला भी सही, तो करेक्ट कौन सा गया, ओनली वन एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, ध्यान रखिए ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है फटाफट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ केमिकल सिनेप्स के रेस्पेक्ट में, क्या सही है, ओके तो इसको फटाफट अभी सॉल्व करते हैं अपन, कि द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक
न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बिल्कुल सही बात है, ये प्री न्यूरॉन है, ये पोस्ट न्यूरॉन है, दोनों के बीच में क्या होता है गैप, गैप को अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट, केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल, अगर ये केमिकल सिनेप्स है तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या होगा, केमिकल ही होगा, नो डाउट। आर नॉट इन्वॉल्व्ड, नॉट कैसे भाई, इन्वॉल्व्ड तो होता है इसलिए गलत हो गया, नॉट नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इंपल्स ट्रांसमिट अक्रॉस द केमिकल सिनेप्स इज फास्टर देन द इलेक्ट्रिकल। ना, इलेक्ट्रिकल में हमेशा फास्ट कंडक्शन होता है, केमिकल में कंडक्शन स्लो होता है सिनेप्स के अंदर। ये कह रहा है, उल्टा लिख रहा है, ये गलत हो गया। अब क्या पूछ रहा है, करेक्ट, तो करेक्ट तो ओनली कौन सा है, फर्स्ट ही है, ओनली वन, ओनली वन, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन कौन से सही है, देखो आप, सोमेटिक नर्वस सिस्टम आप जानते हो SNS कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल में कमी नहीं ले जाता है, हमेशा कहाँ ले जाता है, किसमें ले जाता है, स्केलेटल मसल में, वॉलेंट्री कंट्रोल करता है कौन सा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये गलत हो गया पहला। नेक्स्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू इंटरनल ऑर्गन मसल, इंटरनल ऑर्गन मसल की बात आ जाती है लेकिन फ्रॉम CNS नहीं ले जाते हैं, वो फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक से ले जाते हैं, CNS से नहीं ले जाता, तो ये भी गलत है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सही है, ओनली थर्ड इज करेक्ट, पूछा क्या है, करेक्ट, ओनली थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ओनली थर्ड इज करेक्ट, ये लीजिए। तो इसमें गलती मत कर देना, यह क्या है, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम CNS नॉट फ्रॉम ANS टू ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपको कॉलम मैचिंग करनी है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसके अंदर, ये थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द किडनी, किडनी की लेंथ कितनी होती है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है लेंथ और विड्थ और थिकनेस, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है लेंथ कितनी है किडनी की, तो आप लेंथ निकाल सकते हो आराम से, ये हो गया इसकी लेंथ कौन सी, 10 to 12 centimeters, इसका आ गया कौन सा 5। फिर अगर अपन बात करें विड्थ कितनी होती है, तो विड्थ आपको पता है कितनी होती है, 5 to 7 centimeters आ गई, ठीक है, ये आ गया 4। वेट ऑफ द किडनी सबको पता है थर्ड कौन सा, 120 to 770। शेप ऑफ द किडनी बीन, तो अब इतने सारे हो गए तो मिला लो ना कौन सा होगा, 5 4 3 1 5 4 3 1, और ई का 2 बता रहे, ई का क्या क्या, थिकनेस ऑफ किडनी 2 to 3 centimeters, तो करेक्ट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीजल्स ग्रेन्यूल, आपको पता है नीजल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं, है ना, नीजल्स ग्रेन्यूल क्या है, बेसिकली जो अपने एक्सोन पढ़ते हैं इसमें नीजल ग्रेन्यूल नहीं है, सेल बॉडी इसमें नीजल ग्रेन्यूल है, डेंड्राइट्स इसके अंदर भी नीजल ग्रेन्यूल है, तो नीजल ग्रेन्यूल कहाँ मिलेंगे आपको, साइटोन, साइटोन का मतलब भी क्या होता है आपको पता है, सेल बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, साइटोन। तो ए का क्या हो गया, डी, ए का डी निकाल लो किसमें, इसमें नहीं हटा दो, इसमें नहीं, दो ऑप्शन उड़ गए, एक हो गया। यूनिपोलर, आप सभी को पता है यूनिपोलर न्यूरॉन किसमें होते हैं, एम्ब्रायम होते हैं, तो दूसरा कौन सा आ गया आपके, सी आ गया इसके अंदर, तो अब आप देख लीजिए सी किसमें आ रहा है, सेकंड में सी, इसमें ए आ रहा है, नहीं इसमें सी आ रहा है, ये करेक्ट, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 2। बाकी आप मैच कराओगे आराम से आ जाएगा, कौन सा, मल्टीपोलर सबको पता है किसके अंदर होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और नोड ऑफ रेनवियर का होता है, गैप होता है किसके बीच में, माइलिन सीथ के बीच में गैप होता है, उसे अपन बोलते हैं क्या होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, इसलिए बोलते हैं माइलिन सीथ इज नॉट कंटिन्यूसली प्रेजेंट, इट इज डिसकंटिन्यूस, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, चलिए साहब, इन पोलराइज स्टेज ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो पोलराइज स्टेज होती है ना, उसके बारे में पूछ रहा है, हमें पता है पोलराइज के अंदर बाहर प्लस होता है और अंदर माइनस होता है, ये पोलराइज स्टेज है। द आयंस ऑफ द न्यूरॉन आर द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन्स मोर नेगेटिवली चार्ज देन आउटसाइड, ये कहता है इनसाइड जो होती है वो मोर नेगेटिवली चार्ज होती है, बिल्कुल सही बात है, अंदर की ओर तो ज़्यादा ही है, अंदर कितना होता है -70 millivolts होता है, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर ही है, तो ये सही हो गया भाई। नेक्स्ट, आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन मोर नेगेटिव, गलत बिल्कुल, बोथ एंड बी गलत, इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरॉन हैव द सेम कमी नहीं हो सकता, गलत, करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, के बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, ठीक है ना, तो पहला दे रखा है ये सारे, पूछ क्या रहा है ये तो देखें अपन, थ्री चैम्बर हार्ट किसमें होता है, फिश में 2 chambers, गलत, एम्फीमिया में 3 chambers, रेप्टाइल में 3 chambers, क्रोकोडाइल में 4 chambers,
बर्ड्स में फोर्थ चैम्बर, मैमल्स में फोर्थ चैम्बर, किसके हो गया बी एंड सी, तो करेक्ट आंसर हो गया बी एंड सी, जिसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, आपको पता ही फोर चैम्बर होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एंजाइना पेक्टोरिस, आप सबको पता है एंजाइना पेक्टोरिस जो सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर दे रखा है ना, तो किस वजह से होता है, जब हमारी जो हार्ट की मसल है वहाँ पर एनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, तब वो क्या होता है, एक सीवियर पेन होता है, एक स्पाज्म आता है, जिसको अपन बोलते हैं एंजाइना। तो आप इसके अंदर देखिए, व्हेन एनफ ऑक्सीजन रिस्ट्रेन, एनफ अगर पहुँचती तो नौबत ही क्यों आती है, गलत हो गया, व्हेन नॉट एनफ ऑक्सीजन रिस्ट्रेन द हार्ट मसल, ये करेक्ट हो गया। द डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज इन आर्टरी, गलत, डिपोजिशन ऑफ एमिनो एसिड इन आर्टरी, गलत, करेक्ट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट, आपको इसमें से ढूंढना है। अबाउट 60% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम टाइलिन सलाइवरी, कभी भी आपको पता है 60% नहीं होता है, कितना होता है 30% होता है, या 60 जगह क्या आना चाहिए 30% आना चाहिए। साहब 60% कैसे होगा, आप भी सोचो, सारा काम अगर ओरल कैविटी में हो गया तो फिर वहां पर क्या होगा इंटेस्टाइन में, ये पहला ही गलत है, फॉल्स पूछ रहा है, ये पहला ही आ गया आंसर। सलाइवरी एमाइलेस एक्ट है, जो स्टार्च ऑन इट कन्वर्ट इनटू द माल्टोज, सही बात है। सलाइवरी एमाइलेस ऑप्टिमम पीएच 6.8 सही है, स्टोमक स्टोर फूड 4 to 5 hours सही है, तो करेक्ट जो है इन गलत आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, अगला देखिए आप, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंडक्टिव जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें पता है दो तरह के जोन होते हैं हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एक होता है कंडक्टिव जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिव जोन जो होता है वो कंडक्ट करता है किसको, एयर को, या गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन में होता है गैसेज का एक्सचेंज, यहाँ पर ओनली कंडक्शन होता है, किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा ना, कौन सा का नहीं है। इसमें आप देखो, कंडक्शन ऑफ एयर तो करना ही पड़ेगा, फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं है, तो किसका काम है ये, एक्सचेंज जोन का काम है, किसका, एक्सचेंज यानी कि नॉन कंडक्टिव जोन का काम है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता ही है, एयर के अंदर वाटर को ऐड करता है, सो देयर द बॉडी टेम्परेचर के इक्वल आ जाए, कौन सा, एटमोस्फेरिक एयर जो हम इंस्पायर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड, ये फंक्शन इसका नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रेस्पिरेटरी पैसेज इज डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट गलती कर देता है, अब्सेंट होता है, ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, कहाँ पर जो सी शेप्ड कार्टिलेजिन जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है वो कहाँ पर अब्सेंट होती है, तो अपन को पता है वो कहाँ से कहाँ होती है, ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियल तक होती है, ठीक है। तो कहाँ पर है, प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई में सब जगह होती है, ये कह रहे एल्वियोलर डक्ट, ये तो किसका आ गया, एक्सचेंज जोन का पार्ट आ गया, टर्मिनल ब्रोंकियोल के पीछे वाला पार्ट आ गया, इसलिए इसमें नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब आप इनहेल करते हो एयर को तो कौन सी मसल काम करती है, अपन को बहुत अच्छे से पता है, एक तो डायफ्राम करता है और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल करती है, दो मसल काम करती है, डायफ्राम एंड आईआईसीएम। आईआईसीएम का मतलब होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो ध्यान रखिए इंटरनल इंटरकोस्टल ओनली फोर्सफुल एक्सपायरेशन में काम करती है, कभी भी नॉर्मल में नहीं करेगी। नेक्स्ट, डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम कभी रिलैक्स नहीं होता है, जब आप इंस्पायर करते हो डायफ्राम डोम से क्या होता है, फ्लैट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, बोथ आईआईसीएम एंड ईआईसीएम, EICM रिलैक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंस्पिरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है, और एक्टिव प्रोसेस कभी रिलैक्स नहीं करेगा, उसमें एटीपी चाहिए। बोथ डायफ्राम एंड EICM कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करती है, करेक्ट आंसर हो गया फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली बात करें तो ब्रीदिंग रेट पूछिए कि एक ह्यूमन बींग में ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, तो आप ध्यान रखिएगा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है 12 to 16 times per minute, हाँ पर मिनट है, सेकंड में थोड़ी होगा, ये भी सेकंड गलत, ये भी ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, ये थोड़े बच्चों वाला आ गया, कौन सा 18 to 20, तो थोड़ा क्लोज ऑप्शन है नो डाउट, बट अपन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा सेलेक्ट करने है तो 12 टू 16 इज द अप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। चलिए साहब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, अगर 65 की बात करें तो देखो क्या पूछा है, फेरेटिमा, फेरेटिमा का मतलब आपको पता ही कौन सा हो गया, अर्थवॉर्म। फेरेटिमा रेस्पायर थ्रू, किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है फेरेटिमा, आपको बहुत अच्छे से पता है, फेरेटिमा की जो स्किन होती है वो क्यूटेनियस होती है ना, मोइस्ट क्यूटेनियस होती है, तो ये आ गया मोइस्ट स्किन के थ्रू, लंग्स उसमें होता नहीं है, गिल्स उसमें होते नहीं है, ट्रेकियल सिस्टम किसका करेक्टर है, आर्थ्रोपोडा का, ठीक है ना, तो इसमें तो होने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, मोइस्ट स्किन, कौन सा, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट, रिमेंबर गाइस मेन साइट, प्राइमरी का हमेशा मतलब क्या होता है मेन साइट, जहां पर मेन फंक्शन ये होता हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अपन को सबको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज मेनली कहां होता है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, तो पहला ही करेक्ट हो गया एल्वियोलाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई में नहीं होता, टर्शियरी ब्रोंकाई में तो ये होता नहीं, ब्रोंकियोल में भी नहीं होता है। हाँ अगर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल होता तो थोड़ा कंसिडर होता, लेकिन आप पूछ रहा प्राइमरी साइट, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा फर्स्ट एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, यानी CO2 किस फॉर्म में मेजर अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होती है, तो आप सभी को बताया बाइकार्बोनेट जो होता है वो 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब देखो आप कॉलम मैचिंग करानी है, एक तरफ आपको दे रही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और दूसरी तरफ देकर आपको वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या सही है क्या नहीं है वो आपको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट मैच है। रिमेंबर गाइस स्वेट ग्लैंड होती है अपने अंदर NaCl लैक्टिक एसिड एंड मोर अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया को बढ़ती है, लेकिन यहां पर ये गलत आ गया, क्या मोर अमाउंट नहीं आता, यहां पर क्या आता, अगर लेस अमाउंट आता तो सही हो जाता है। देखो यहां पर ये आ रहा है अधिक, अधिक की जगह क्या आना चाहिए कम आना चाहिए, तो ये हो गया क्या इनकरेक्ट। पहले ही मिल गया आंसर तो वैसे अपन को, बट पढ़ लेते हैं सारे। सीबीएसएस ग्लैंड स्टीरोल हाइड्रोकार्बन वैक्स सही है, लीवर वाइटामिन कोलेस्ट्रॉल एंड ड्रग्स बिल्कुल सही है, ऑल आर मैचिंग ना ऑल मैचिंग नहीं है, करेक्ट आंसर हो गया कौन सा फर्स्ट, ये मिसमैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोटैक्सिस सेंटर इज लोकेटेड इन, किसमें प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिस सेंटर, वो होता है पोन्स के अंदर होता है, जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन का स्पेशली फोर्सफुल ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। हमें पता है वॉलेंट्री जो कंट्रोल है वो करता है सेरिब्रम, इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है मेडल ऑब्लोंगेटा एंड फोर्सफुल को कंट्रोल करता है पोन्स, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा इसमें पोन्स। नेक्स्ट, ये तो लोकेशन पूछ रहा था इसलिए अपन ने बता दिया। चेंज इन द CO2 एंड HIN कंसंट्रेशन इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय, ये पूछ रहा है कि हमारे ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा होगी या कम होगी, HIN कम हो गया और ज्यादा हो गया, जब CO2 ज्यादा होगी तो HIN कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, क्योंकि CO2 का नेचर कैसा होता है एसिडिक नेचर होता है। ठीक है ना, तो आप देखिए इसमें कौन पता लगाता है, ये हमारे ब्रेन को मैसेज कौन सेंड करता है, कौन से रिसेप्टर होते हैं, ये कह रहा है कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं लेकिन सेरिबेलम में नहीं होते भाई, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिल्कुल पास में होते हैं, जस्ट एडजस्टेड टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ये गलत हो गया, सेरिबेलम तो बैलेंसिंग का काम करता है, बाय रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक एंड कैरोटिड आर्टरी, जो हमारे एरोटिक और कैरोटिड आर्टरीज होती है उनके अंदर रिसेप्टर होते हैं एरोटिक बॉडीज एंड कैरोटिक बॉडीज, वो डिटेक्ट करते हैं CO2 और HIN की कंसंट्रेशन को और नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर सेंड करते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, जो मेडल ऑब्लोंगेटा के बिल्कुल पास में सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया दूसरा वाला। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन पोन्स, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कभी नहीं होता पोन्स में, रिदम सेंटर हमेशा मिडल ऑब्लोंगेटा में होता है, ये गलत है बिल्कुल, बोथ वन एंड टू हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट, इनमें क्या इनकरेक्ट, जो मैचिंग नहीं कर रहा है मिसमैचिंग को सिलेक्ट करता है। मोनोसाइट जो होती है वो एग ग्रेनुलोसाइट होती है, बिल्कुल सही बात है। बेसोफिल सीक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन हिस्टामिन वगैरह सब करती है। ईओसिनोफिल्स पीएमएनएल सेल, ना पीएमएनएल सेल हम किसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल को बोलते हैं, किसको न्यूट्रोफिल को, और ये बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है 12th की एनसीईआरटी में, जहां पढ़ते हो चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर एक सब टॉपिक आया हुआ है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के दो टाइप है, उनमें पहली टाइप है कौन सी इननेट इम्यूनिटी, वहां पर आपको मिलेगा सेलुलर बैरियर के अंदर ये पीएमएनएल सेल, तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट है ये, आउट ऑफ एनसीईआरटी स्टेटमेंट नहीं है। न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट नहीं होती है, कौन सी न्यूट्रोफिल्स आर ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट, ये भी सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया थर्ड, कि ये पीएमएन तो न्यूट्रोफिल होती है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा आंसर, इसका जो जाएगा वो थर्ड है, क्योंकि तीसरा वाला है मैच नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द प्रोटीन प्राइमरली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, वो होता है 28 टू 30 mm ऑफ Hg, जो प्रेशर होता है वो करता है कौन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ध्यान रखिएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है और ये मेंटेन करता है किसको, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड को। तो गाइस करेक्ट आंसर इज 3 not 4। मैच द कॉलम एंड करेक्ट द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब इसके अंदर आपको अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, इसको आपको कॉलम मैचिंग कराना है, बहुत सिंपल सी बातें होती है, ऐसे क्वेश्चन इजीली इलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन, इसके ध्यान रखिएगा। कैसे देखिए आप,
ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, अगर ये टर्म्स नहीं लगती है आपको तो नहीं नहीं ग्लाइकोसूरिया, यूरी आ रहा है पीछे, यानी यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लॉस होना जो डायबिटीज मिलाइटस का मेन करेक्टर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो ये आ गया इसका कौन सा फोर। अब फोर किस किस में आ रहा है, पहला वाला इलिमिनेट कर दो, थर्ड वन फोर थर्ड, ये लो आंसर आ गया सीधा। तो ऐसे ऑप्शंस भी हम लोगों ने सेट किए जिससे अगर आप थोड़ा सा आईक्यू या वहां पर आप कॉन्शियस रहो तो इजीली आप फटाफट अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा सेकंड, ये लीजिए। बाकी मैच कराने की जरूरत नहीं, इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है। बी दे रखा है गाउट, गाउट इन्फ्लामेशन की क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्रिस्टलाइन, ये तो हो गया कौन सा रीनल कैलकुलाई का हो गया, गाउट कौन इन्फ्लामेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड फर्स्ट आ गया, और ग्लोमेरुलो ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुला, तो सारे मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा इसका मैचिंग का। नेक्स्ट ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश, फिश के अंदर आपको बताना क्या गलत है। फिश के अंदर ये कह रहा है टू एट्रिया और वन वेंट्रिकल, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया भाई, पहला ही इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिश के अंदर चैम्बर कितने होते हैं, वन तो एट्रिया और वन वेंट्रिकल, चैम्बर ही टोटल कितने होते हैं टू चैम्बर, ये कितने कह रहा है टू और ये वन कितने चैम्बर हो गए थ्री चैम्बर, तो ये गलत हो गया यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट ओनली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप थ्रू द हार्ट, बिल्कुल ये हार्ट से थ्रू दियर हार्ट, हार्ट जब पंप करता है इसके दो ही चैम्बर है ना, ये दो चैम्बर है, जब हार्ट पंप करता है तो कौन सा ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो जाता है किसमें गिल्स में, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है, फिर वापस वो बॉडी में जाकर आकर वापस सप्लाई हो जाता है किसके अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ये वाला बिल्कुल सही है। हार्ट कैसा, इसलिए तो अपन बोलते हैं कौन सा हार्ट है ये वीनस हार्ट, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। फिश हैव द सिंगल सर्कुलेशन, बिल्कुल सिंगल सर्कुलेशन है करेक्ट, ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन द गिल्स, ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है इसमें गिल्स में होता है, ये भी सही है, तो करेक्ट हो गया ये। इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट कौन सा हो गया आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल रिमेन क्लोज, ये कह रहा है जब हार्ट की कौन सी स्टेज में ये चार चैम्बर है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल आ गए, ये एक तो ट्राइकस्पिड है ये राइट साइड वाला, और लेफ्ट वाला बाइकस्पिड है जिसको अपन मिट्रल वॉल बोलते हैं, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन में ये बंद होगा, कब होगा, जब ये वेंट्रिकल जो है ये राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से ब्लड कहाँ जाएगा ओर्टा में जाएगा, इधर से किधर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तब ये वॉल क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, अदरवाइज ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये बंद होंगे जब दोनों ये वेंट्रिकल क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होगा, कौन सा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। तो देखो एट्रियल सिस्टॉल में तो ये ओपन होंगे तभी तो ब्लड कहाँ आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल गलत है, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल सही है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, डायस्टॉल में तो क्या हो जाएंगे ओपन रहेंगे क्योंकि जॉइंट डायस्टॉल में भी ओपन रहते हैं ब्लड आता रहता है कहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल में, जॉइंट डायस्टॉल भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के टाइम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल एब्सोल्युटली क्लोज्ड हो जाते हैं। ओके गाइस नेक्स्ट अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टॉल ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल एंड हो जाता है, बिगनिंग ऑफ टी वेव, टी वेव की बिगनिंग में नहीं होगा ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव इंडिकेट वॉट, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, पी वेव एंड कोई मतलब नहीं, बिगनिंग ऑफ एस वेव कोई मतलब नहीं, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ये बिल्कुल लिखा हुआ, जब आप ईसीजी पढ़ोगे सर्कुलेटरी सिस्टम में तो एक लाइन स्टेटमेंट लास्ट दे रखा पैराग्राफ में, एंड ऑफ द टी वेव इंडिकेट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, ओके तो आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया इन ह्यूमन किडनी इज सिचुएटेड, किडनी की लोकेशन बतानी है आपको, किडनी कहां पर लोकेटेड है, तो ऊपर तो होती है अपन को पता है लास्ट थोरेसिक वर्टेब्री जिसको अपन बोलते हैं T12, नीचे कौन सी होती है L3, T12 टू L3 के बीच में, T5 गलत, T12 यस L3 सही है, T12 L5 रॉन्ग, T5 रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज सेकंड, किसके बीच में आ गई T12 टू L3 के बीच में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स पार्ट बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, जैसे ये मेडुलरी पिरामिड से ऐसे बनाए हुए ठीक है ना, मेडुला इसके बीच में जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो डेफिनेटली कॉर्टेक्स का पार्ट होता है जिसको अपन एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देते हैं कॉलम ऑफ बल्टिनी, कॉलम ऑफ
बर्टिनी, तो कॉलम ऑफ बर्टिनी, डक्ट ऑफ बेलनी ये तो अलग होती है, जब कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट हो जाती है तो बनती है कौन सी, डक्ट ऑफ बेलनी, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट आ गया मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स जो होते हैं विनल पिरामिड की जो कॉमन ओपनिंग्स होने के बाद में खूब सारे पिरामिड की एक कॉमन स्ट्रक्चर बनती है जिससे अपन बोलते हैं मेजर कैलिक्स। और रिनल पेपिला जो मेडुलरी पिरामिड है उसकी ओपनिंग जो होती है उसे बोलते हैं रिनल पेपिला। तो सब अलग अलग है, किसी का कोई इंटरलिंक नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया कॉलम ऑफ बर्टिनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ कर निकालना है भाई, ठीक है। पहला है ग्लोमेरुलस टफ ऑफ कैपिलरीज, बिल्कुल सही बात है, ग्लोमेरुलस टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्मड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, बिल्कुल सही है। विच इज द फाइन ब्रांच ऑफ रीनल वेन, रीनल वेन नहीं है, रीनल वेन तो आगे वेन की थोड़ी है, टफ ब्रांच पार्ट ऑफ क्या होगी वो, किसकी होगी, पार्ट ऑफ रीनल क्या, आर्टरी नॉट वेन, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ग्लोमेरुलस अलोंग विद वोमन कैप्सूल फॉर्म्स रीनल कॉर्पस, बिल्कुल सही बात है, ये वोमन कैप्सूल आ गया और ये आ गया ग्लोमेरुलस, दोनों मिला के अपन को बोलते हैं मैलपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल, सही है। वासा रेक्टा इज ए फाइन ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल विच रन्स पैरेलल टू द हेलेलोप, ये भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट इन ह्यूमन किडनीज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन्स आर इक्वल, इक्वल ये कॉर्टिकल आपको पता है 80% होती है, 80-85% और मेडुलरी वाले होते हैं 20-15%, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो अब इसमें से क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट तो दो ही है आपके, कौन कौन से देख लो आप, करेक्ट आंसर बी एंड सी पूछा ना इसमें, करेक्ट हाँ बी एंड सी आर करेक्ट, ये हो गया आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट Which play an important role in the elimination of cholesterol degraded steroidal, ये कह रहा है कि कौन सा है जो accessory excretory structure है जो nitrogen waste को remove करती है या उससे related other substance को degrade होने के बाद में relieve करती है, चाहे वो आपके cholesterol हो चाहे वो आपके steroidal hormones हो, ठीक है, तो वो part करता है कौन, liver, liver का यही function है, ठीक है। Lungs का तो CO2 का हो गया, sweat का NaCl हो गया, और ऑयल का वो अलग ही आ जाएगा CBSS वाला, क्या रह गया लीवर, तो करेक्ट आंसर है लीवर, ये एसेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अपने। नेक्स्ट विच ऑफ द विच इज थिक फिलामेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, थिक फिलामेंट, तो हमें पता है थिक तो होता है मायोसिन, तो करेक्ट आंसर तो हो गया इसका मायोसिन, और अगर पूछ लेता थिन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कई साल पहले जिसमें थिन पूछा था, हमने इस बार आपसे थिक पूछा है, थिन जो है वो बेसिकली एक्टिन को शो करता है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा टू। नेक्स्ट स्केपुला, जो हमारी स्केपुला होती है यहाँ पर जो ये शोल्डर के ऊपर जो पार्ट है और जो बैक थोरेसिक साइड में, दैट इज नोन एज स्केपुला, जिससे उम्रस आकर अटैच होती है ग्लेनॉइड कैविटी में और बनता है कौन सा जॉइंट बनता है आपके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, ठीक है। तो स्केपुला एक्सटेंड फ्रॉम द डोर्सल साइड ऑफ द थोरेक्स, कहाँ से कहाँ तक होती है ये अपने होती है जो स्केपुला, इस तरह से बनाऊ मैं या इस तरह से, एक मिनट, ये आगे ग्लेनॉइड कैविटी, ये लीजिए ये बेसिकली सपोज करो स्कैपुला है, ये तो आगे कौन सा ग्लेनॉइड कैविटी जहाँ पर ह्यूमरस फिट होगी, और ये आ गया इसका सुपीरियर पार्ट, ये इसका इन्फीरियर पार्ट, ये कहाँ से, ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं रिप्स को ड्रॉ करूँ तो ये सेकंड रिप से लेकर सेवंथ रिप्स के बीच में होती है, कहाँ से, सेकंड बैक में, अपने सेकंड बैक से कंसिडर करना, सेकंड टू सेवंथ, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा थर्ड, बाकी देख लो सेकंड टू एट्थ गलत हो गया, ये गलत कौन सा गया, सेकंड टू सेवंथ रिप के बीच में आपको मिलेगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आपके 83, इसमें देखिए विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम आपको पता है इमोशनल ब्रेन होता है जो हाइपोथैलेमस के साथ उसके न्यूक्लियर के साथ मिलकर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है, यानी इमोशनल रिएक्शंस बेसिकली मेन इसका टारगेट होता है। पहला रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, बिल्कुल रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रेगुलेशन ऐसे कौन नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा में, तो गलत हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, बिल्कुल इमोशन ही तो होते हैं सारे के सारे लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन, जो एमिग्डाला है वो न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ एक्साइटमेंट, ये भी किसका है, ये भी इमोशंस का पार्ट है, मोटिवेशंस का पार्ट ले सकते हो आप, ठीक है, तो ये सारे सही है, तो ये करेक्ट है, कौन सा ये करेक्ट है, तो इसके अंदर इनकरेक्ट कौन सा हुआ, इनकरेक्ट सेकेंड हुआ, कौन सा रेगुलेशन, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बाकी सारे क्या है सही है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा, करेक्ट मतलब जो स्टेटमेंट गलत है वो कौन सा हो गया, जो लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है वो हो गया सेकेंड। नेक्स्ट अब पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ आई, ह्यूमन आई फ्रॉम इनर टू आउटर, हमेशा ध्यान रखना इनर टू
क्या पूछ रहा है? आउटर। तो इनर हमेशा कौन सा होता है? रेटिना होता है। रेटिना के बाद कोरोइड आती है, कोरोइड सबसे बाहर स्क्लेरा होती है। तो देख लो आप कौन सा है, रेटिना, रेटिना दो उड़ गए ये तैसे, ये दूसरी कौन सी थी, कोरोइड स्क्लेरा। ये लीजिए आंसर हो गया, कौन सा इसका, कौन सा आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया सब क्लियर कट। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। के लिए कौन सा एरिया हमारे ब्रेन के अंदर, बेसिकल सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर तीन एरियाज होते हैं, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर, एक होता है एसोसिएशन, जो नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, यानी वो 100% प्योरली कुछ भी नहीं है। तो सेंसरी एरिया का फंक्शन नहीं होता, मोटर का नहीं होता, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, एसोसिएशन एरिया के होते हैं। तो आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द रूफ ऑफ स्केला मीडिया। आपको पता ही अपन जब बनाते हैं कॉकलिया की स्ट्रक्चर तो तीन डब्बे बनते हैं, तीन है ना, तो कौन कौन से, ऊपर वाला है स्केला वेस्टिबुलरी, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेन। ये जो मेम्ब्रेन आती है दोनों के बीच में वो होती है रीजनल्स मेम्ब्रेन, ये आती है कौन सी, बेसिलर मेम्ब्रेन। अभी ये पूछ रहा है स्केला मीडिया, ये आ गया स्केला मीडिया, इसकी क्या पूछ रहा है ये, रूफ, रूफ कौन बना रहा है, तो रूफ तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन बना रही है, कौन सी, रीजनल। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, रीजनल्स। और फ्लोर कौन बनाना नीचे का, ये आ गई बेसिलरी ना, बेसिलरी फ्लोर बना रहा है। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर इसका क्या निकाला आपने, फर्स्ट किसका, रीजनल्स मेम्ब्रेन। नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये एक मसल फाइबर है आपके पास में, ऊपर से एक न्यूरॉन आ रहा है जो इसको, मोटर न्यूरॉन आ रहा है जो इसको मैसेज कन्वे करेगा। तो इसके बीच का जो जंक्शन है, जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, इसका एक नाम तो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट, और थर्ड जो है वो मायो न्यूरल जंक्शन है ना, जहाँ पर ये न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन मैसेज देता है किसको, सार्कोलिमा को, और मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, उसके बाद में कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुल में, फिर मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है, यानी इनिशिएशन जो जॉइंट है वो यहीं पर होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया मोटर एंड प्लेट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा इस पे अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि ढूंढते अपन करेक्ट है टिक हो जाता है इनकरेक्ट पे। ओके, तो देखिए आप क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। इसमें देखिए, मिक्चुरेशन इज अ रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन पास आउट करने का जो प्रोसेस है, यूरिन ब्लैडर भर जाता है, उसके बाद मैसेज जाता है, फिर वापस यूरिन ब्लैडर कॉन्टैक्ट करता है और मिक्चुरेशन हो जाता है। तो ये हो गया मिक्चुरेशन इज ए रिफ्लेक्स प्रोसेस, सही है। हेनले लूप इन्वॉल्व्ड कंसंट्रेटिंग ऑफ यूरिन, बिल्कुल करता है, काम ही वही है उसका, 300 से 1200 ऑस्मोलिटी इंक्रीज करने का मेन रोल किसका है, हेनले लूप एंड वासा रेक्टा का है। ठीक है चलिए ये भी करेक्ट है। वैसोप्रेसिन हेल्प इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एससीएल, वाटर का तो चलो मान लेते हैं, लेकिन इसका क्या लेना देना किसका, एससीएल का। तो ये क्या हो गया करेक्ट, तो पहले दो करेक्ट हो गए, कौन कौन से, ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर हो गया, ए बी आर करेक्ट आंसर हो गया इसका, कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, पोडोसाइट आपको बहुत अच्छे से पता है, पोडोसाइट जो होती है जैसे वोमन कैप्सूल बनाते हो आप ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर जो सेल्स होती है पोडोसाइट्स, इनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं स्लिट पोर, यहाँ पर ही तो होता है फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये हो गई पोडोसाइट, किसका पार्ट है ये, पार्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिल्कुल फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो करेक्ट हो गया पहला। रीअब्सॉर्प्शन इसका कोई रोल नहीं है, वो तो ब्लड सीक्रेशन में इसका रोल नहीं है, एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है ही नहीं बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन विच एनिमल। फ्लेम सेल आपको पता है बेसिकली इन्वॉल्व हो जाती है किसके अंदर, सबके अंदर, देखो फ्लैटवर्म में भी होती है, एनालिट्स में भी होती है, और रोटीफर्स में भी होती है, सब में कौन सी मिलती है आपको, फ्लेम सेल। लेकिन फ्रॉग के अंदर कोई फ्लेम सेल नहीं होती, इसके अंदर तो बेसिकली क्या डेवलप हो जाती है, किडनी से, क्योंकि ये तो एम्फीबिया का मेंबर, और एम्फीबिया में आपको पता ही है मेटानेफ्रिक मीजोनेफ्रिक किडनीज आ जाती है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फोर, नॉट पूछा है ना इसलिए नहीं है, वो आ जाएगा फ्रॉग, करेक्ट आंसर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पूछा है आपसे, इनकरेक्ट आपको पता लगाना है कि बी और टी लिम्फोसाइट होती है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इम्यूनी रेस्पॉन्स के लिए, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट जो होती है फ्रेगमेंट मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट से बनती है, सही है। बेसोफिल जो होती है वो सीक्रेट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नहीं करती भाई, ये गलत है, थायरोक्सिन नहीं करती, ये क्या करती है आपको बताइए, हिस्टामिन सीरोटोनिन ये रिलीज करती है, ये गलत हो गया। इओसिनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसका वो कौन सा आएगा, थर्ड, क्योंकि थर्ड वाला जो है वो बेसोफिल थायरोक्सिन कभी रिलीज नहीं करती, सीरोटोनिन हिस्टामिन है ना,
और हेपेरिन ये सब रिलीज करती है। ये पूरा नाम लिख लेना, बेसोफिल है ये ना, बेसोविल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस। आपको पता है जब किडनी खराब हो जाती है तो अपन कौन सा प्रोसेस करते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में अपन क्या करते हैं, एक बंदे की एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड लेते हैं और उसके अंदर अपन उस ब्लड को थिन करने के लिए ब्लड थिनर का काम लेते हैं, तो उसमें अपन ऐड करते हैं हीपेरिन और मशीन के अंदर पास करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव हो जाता है ना, उसके बाद में वापस फिल्टर होकर ब्लड आता है, तो उसमें अपन वापस ऐड करते हैं एंटी हीपेरिन ताकि उसकी विस्कोसिटी ब्लड की विस्कोसिटी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है हीमोडायलिसिस पेशेंट ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम एन आर्टरी एंड इट इज मिक्स विद एक्स, किसके अंदर मिक्स करते हैं अपन, हीपेरिन के साथ मिक्स करते हैं ना, ताकि वो थिनर हो जाए, हीपेरिन, प्रोथ्रोमिन, एंटी हीपेरिन। ठीक है, ये तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। नेक्स्ट, ब्लड इज पम्प्ड इनटू द वेन पेशेंट आफ्टर एडिंग वाई, क्या ऐड करते हैं अपन, एंटी हीपेरिन। ठीक है, सो व्हाट इज एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई क्या है, तो हम लेते हैं तब हीपेरिन, बाद में वापस डालते हैं तो एंटी हीपेरिन। करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपको ग्लोबिन्स के बारे में, पूछा है कि भाई जो ग्लोबिन्स है, ये लीजिए, ग्लोबिन्स प्रोटीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा इज प्राइमरली इन्वॉल्व, किसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो। ठीक है ना, तो आपको पता ही है जो ग्लोबिन्स है वो बेसिकली आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबिन यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला होता है, तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, क्या कराना, इम्यूनिटी, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एल्ब्यूमिन का फंक्शन है, सेकंड वाला करेक्ट है। ब्लड कोगुलेशन किसका है, प्लेटलेट का है, और ब्लड फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, अदर अदर हॉर्मोन्स का होता है। ठीक है ना, जैसे थायरोक्सिन हुआ, कोर्टिसोल हुआ, ये सारे क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी प्रमोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ग्लोबिन के रेस्पेक्ट में, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहे हैं रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज मेनली अकर्स, अपन को पता है 70-80% रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, हमें सबको पता है पीसीटी का, न्यूट्रिएंट का वगैरह, है ना। अब ये कह रहा है ग्लूकोज का कहाँ पर हो जाता है, अगर ग्लूकोज फिल्टर होकर आ भी गया है ना, और आएगा नो डाउट, अगर आ गया तो वो मैक्सिमम कहाँ हो जाता है, पीसीटी के अंदर ही हो जाता है। 65-70% जो है वो ग्लूकोज का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, आपके पीसीटी में। तो आप इसको मेनली पकड़ के भी आंसर निकाल सकते हो क्या, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज ही होता है पीसीटी में, अदरवाइज यूरिन में चला जाएगा, इसलिए पीसीटी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर ना, पैसिव तो सवाल ही नहीं है, फैसिलिटेटेड का कोई लेना देना ही नहीं है, करेक्ट आंसर इज पीसीटी में, किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज थर्ड। अगला आ रहा है द कंडीशन व्हेन यूरिया एक्युमुलेट इन द ब्लड, अगर ब्लड में क्या बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यूरेमिया, और क्या ग्लाइकोसूरिया, मतलब नहीं है यूरिन में, यूरिसेमिया का मतलब होता है यूरिक एसिड, अगर ब्लड में क्या बढ़ जाए, यूरिक एसिड, देन इट इज कॉल्ड यूरिसेमिया, यूरेमिया इज करेक्ट आंसर। कीटो एसिडोसिस, जब कीटोन बॉडीज आपके अंदर ब्लड में इकट्ठी हो जाए, जो डायबिटीज मिलाइटस के अंदर होता है ऐसा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसको अपन बोलते हैं जे जी एपरेटस, इज फॉर्म्ड बाय स्पेशल सेंसिटिव ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है, फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये, सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, जैसे अपन को होता है बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर एक तो आती है कौन सी, एफरेंट आर्टेरियोल, वापिस जाती है ईफरेंट आर्टेरियोल, करेक्ट, एफरेंट आर्टेरियोल, और इधर से आती है डीसीटी, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको अपन बोलते हैं जेजी, है ना, बोले तो जे जी एपरेटस, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है जे जी सेल, जो रेनिन, RENIN, रेनिन का सीक्रेशन करती है। ये किससे बनता है ये पूछ रहा है, ये बनता है डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल, वही बनाया मैंने, देख लो इधर से कौन आ रही है डीसीटी और इधर से कौन आ रही है एफरेंट आर्टेरियोल, सीटी का कोई लेना, कलेक्टिंग डक्ट का क्या लेना देना, पीसीटी का क्या लेना देना, पीसीटी का, बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन गिवन डायग्राम ए बी सी डी को आपको रिकॉग्नाइज करना है और सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें सारे दे रखे हैं आपको, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको निकालना है कौन सा ए है, कौन सा बी है और कौन सा सी है। अगर आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर ए दे रखा है, ए पर यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में आप ध्यान से देखना, मिलेगा आपको बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इधर दे रखा बी, बी की जगह आपको मिलेगा पोटेशियम, इधर दे रखा सी, सी की जगह आपको मिलेगा वाटर, और इधर दे रखा डी, डी की जगह आपको सबको पता है क्या मिलेगा, यूरिया। ये आप सेलेक्ट करोगे, सबको मैच करा के, तो आंसर आएगा आपका कौन सा, फर्स्ट। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है कॉलम ऑफ बर्टिन इज ए पार्ट ऑफ, आपको पता ही मैंने बताया था ना,
इस तरह से मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, मेडुलरी पिरामिड के पार्ट को बीच वाला कौन सा पार्ट होता है, कॉलम ऑफ बल्टिनी, वो कौन एक्सटेंड होकर अंदर जाता है मेडुला के अंदर, कौन बीच में फंस जाता है, कौन इन्वेजिनेट हो जाता है, दैट इज नोन एज ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, है ना। तो कॉर्टेक्स पार्ट इसका जो होता है वो इन्वेजिनेट हो जाता है, मेडुला अंदर है कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे मेडुला। तो हाइलम वो तो अलग ही पार्ट हो गया, पेल्विस बिल्कुल किडनी के पार्ट है, तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने का ऑप्शन है, कॉर्टेक्स हो गया या मेडुला ये होता है। तो इसमें मेन कौन है, कॉर्टेक्स जो होता है वो मेडुला के बीच में जाकर उसको डिवाइड कर देता है, तभी मेडुलरी पिरामिड का फॉर्मेशन होता है, और बीच का पार्ट को अपन बोलते हैं कॉलम ऑफ बल्टिनी विच इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट रीअब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्सॉर्ब नहीं होते किडनी के अंदर, ठीक है ना। तो ग्लूकोज तो एक्टिव होता है, अभी अपने कहा था एमिनो एसिड भी एक्टिव होता है पीसीटी में, नाइट्रोजन वेस्ट कभी भी एक्टिवली नेफ्रॉन के अंदर रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, है ना, वो हमेशा किससे होते हैं आपको पता है, पैसिवली। ओ नाइट्रोजन वेस्ट चाहे यूरिया हो, चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे अपने नमोनिया हो, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, ये सारे के सारे कैसे होंगे, पैसिवली होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपके इसके अंदर, करेक्ट आंसर आपको मिलेगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर नॉट एक्टिवेटेड। ऑस्मो रिसेप्टर होते ही अपने बॉडी की जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी उसको मेंटेन रहती है, जैसे उसमें चेंज जाता है ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये कब कब स्टिमुलेट होते हैं ये अपन को पता है कि कोई ऑस्मोलरिटी चेंज हो, ब्लड वॉल्यूम चेंज हो, बॉडी फ्लूड का प्रेशर चेंज हो, आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो बॉडी फ्लूड की, इनमें स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये पूछ रहा है कि इसमें स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो नॉट पूछा है इसके अंदर, इसे अंडरलाइन करो। चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम बिल्कुल कम ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा, बॉडी फ्लूड बिल्कुल, आयनिक कंसंट्रेशन यस, चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर से इसका कोई नहीं होता, टेम्परेचर से लेना देना होता है हाइपोथैलेमस का, किसका, हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस सेंसिटिव है ना, ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट कभी नहीं होंगे टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फोर, ये लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कंडक्टिंग पार्ट कंप्राइजेस, आपको बताइए दो तरह के रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक्सटेंड। कंडक्टिंग कहाँ आता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के बीच का पार्ट, कहाँ से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये आ गया पहला ही आंसर करेक्ट है इसका। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल तो एल्वियोलाई ना भी रेस्पिरेटरी आ जाए, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल तो एल्वियोलाई डक्ट ना, ये भी रेस्पिरेटरी का जाएगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ये भी रेस्पिरेटरी आ गया, देखो करा। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये एक डेफिनेशन दे रहेगी आपको, यानी कि एडिशनल यानी कि नॉर्मल से ज्यादा, टाइडल से ज्यादा, ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बंदा जो है वो एडिशनल एयर को क्या कर रहा है, आपको पता है, एडिशनल एयर को, एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि एडिशनल एयर के अलावा जो टीवी तो निकल रहा है उसके अलावा फोर्सफुल एयर को बाहर निकाला अपने लंग्स से, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल था, इंस्पायरेटरी तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है, रेजिडुअल ऑलवेज रिमेन इनसाइड होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देखो आप सेलेक्ट द करेक्ट मैच इन कॉलम फर्स्ट मैच कराना, फॉल इन GFR, अगर GFR फॉल होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर GFR फॉल होती है तो JG सेल्स क्या रिलीज करती है, रेनिन, बिल्कुल सही है। एंजियोटेंसिन सेकंड आपको पता है स्ट्रॉन्ग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज द ग्लोमेरुलर, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर होगा तो GFR बढ़ेगा, ये भी सही है। रेनिन आपको पता ही है जो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर, फर्स्ट में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन में, ये भी सही है। एल्डोस्टेरोन आपको सबको पता है कि रीअब्सॉर्प्शन करता है वाटर एंड फ्रॉम द DCT एंड ट्यूबुल, ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड GFR बढ़ा देगा। अगर सोडियम ज्यादा आएगा, वाटर जाएगा बॉडी के अंदर, तो GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा, कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये भी सही है। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, एसी का पार्ट इधर आ गया थोड़ा सा शिफ्ट होकर। एक्टिवेट अगला कौन सा है, देखो आप, एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू रिलीज द ADH, बिल्कुल सही बात है, सारे सही ऑप्शन इसके अंदर ABCDE, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, ऑल आर करेक्ट। चलिए इसमें आपने निकाल लिया, इसको मैच कराना था कॉलम, जो मैंने प्रीवियस वाला बताया था, ये देखो इधर, इसको कॉलम मैचिंग करानी है आपको,
है ना, कॉलम मैचिंग करा के मैंने आंसर ठीक किया, ए का फर्स्ट है ये आ गया, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड ये बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर एंड ई का फाइव, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए साहब, ऐसा नहीं फटाफट में आप क्वेश्चन स्किप कर दो। अगली बात, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट छोटा बच्चा जिसके अंदर आपको पता है पेप्सिनोजन भी होता है, लाइपेज भी होता है, रेनिन भी होता है, ठीक है, एमाइलेज कमी नहीं होगा, ये गलत है। ये कौन सा आ गया, पेप्सिन, माल्टेज कमी नहीं होगा क्योंकि ये तो सक्कर सेंटरी का समय आता है, ठीक है, न्यूक्लियस ये भी नहीं होगा, तो ये से उड़ गया, कौन सा रह गया फर्स्ट ऑप्शन, कौन सा, पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। इधर देखो आप, कुछ आपको कॉलम मैचिंग जैसा ही आई है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का, आपको डिसऑर्डर को पता लगाना है। मायस्थीनिया ग्रेविस इसके बारे में लिखा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, विच इनहिबिट द स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है इसका मतलब ये एंटीबॉडीज बना देता है किसके अगेंस्ट में, एसिटाइल कोलिन, इसलिए एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, इनहिबिट स्लाइडिंग को इनहिबिट नहीं करेगा, बाइंड ही नहीं होगा, मैसेज कन्वे ही नहीं होगा, किससे, नर्वस सिस्टम से मस्कुलर सिस्टम की तरफ, ये गलत है। नेक्स्ट, गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, बिल्कुल, ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपॉजिट कैल्शियम, कैल्शियम नहीं यूरिक एसिड, ये भी गलत है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एज रिलेटेड, एज रिलेटेड नहीं है ये, एज शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, मस्कुलर ट्रॉफी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी गलत है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर अपन बात करें तो आपको पता है डिक्रीज इन बोन मास, बोन के अंदर डेंसिटी क्या हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट कम हो जाते हैं, हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, बोन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उसमें होल्स हो जाते हैं, और एडवांस एज में जाकर क्या हो जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, कि बोन वीक हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो गया फोर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स केमिकल सब्सटेंस इज करेक्टली कैटराइज, कौन कौन सी कैटेगरी बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड है, तो इसके अंदर आप देखिए ध्यान से कि ट्रोपोनिन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रेटेड मसल, बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लेक्स होता है इसके, क्योंकि इसकी तीन सब यूनिट होती है, सी टी आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये सही है, बिल्कुल पहले ही मैच हो गया। सीक्रेटिन एंड रोडोप्सिन आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये रोडोप्सिन हार्मोन नहीं है आपको पता ही है, तो आई के अंदर आता है, विजुअल प्रोटीन है। कैल्सिटोनिन एंड थायरोमोसिन थायराइड हार्मोन, कभी भी थायमोसिन जो है वो थायराइड का थोड़ी हार्मोन है, किसका है, थायमोसिन तो किससे था, थाइमस ग्लैंड्स था। पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन टू डाइजेस्टिव, प्रोलैक्टिन एंजाइम थोड़ी है, क्या है, हार्मोन है, बिल्कुल गलत, सारे गलत हैं ये, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट, मैंने आपको अभी बताया था, आगे वाले पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर याद है, तो इस तरह से मैंने स्केपुला बनाई थी, एक ग्लिनोइड कैविटी बनाई थी, याद है आपको, तो जब लोकेशन बताई थी कि सेकेंड रिप से लेकर कहाँ तक होती है स्केपुला की लोकेशन, सेवंथ रिप तक, तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट बताया था ग्लिनोइड कैविटी, जहाँ आकर कौन फिट हो जाती है अपने, कौन सी बोन आकर फिट हो जाती है, ह्यूमरस, ठीक है, तो ग्लिनोइड कैविटी आर्टिक ह्यूमरस विद स्केपुला, बिल्कुल सही है, क्लेविकल ना, स्केपुला विद एक्रोमियन ना, क्लेविकल विद स्केपुला ना, कौन सा हो गया, ह्यूमरस के साथ में अटैच होती है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटन मसल कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर द बाइंडिंग फॉर ट्रोपोनिन, ये कह रहा है कि जब मसल को अपन स्टिमुलेट करते हैं तो उससे कैल्शियम रिलीज होता है, वो कैल्शियम आता कहाँ से, तो डेफिनेटली वो कैल्शियम, कैल्शियम स्टोर हाउस होता है जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से रिलीज होकर आता है, तो आंसर क्या आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है जो मसल की स्ट्रक्चर, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जेजी सेल, अभी मैंने बताया था जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर जो जेजी सेल्स होती है वो रिलीज करती है रेनिन का, ठीक है ना, तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। जेजी सेल अंडर लो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो विच रिलीज, क्या रिलीज करती है, जब जेजी सेल क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है, जब क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर यानी कि जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुई, बिकॉज ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जीएफआर कम हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको पता है कौन रिलीज होगा, रेनिन, तो करेक्ट आंसर हो गया रेनिन रिलीज होता है। अब आपसे पूछा एक सीक्वेंस ब्लड क्लोटिंग का, कि ब्लड क्लोटिंग में क्या क्या इवेंट होती है, जब अपने कट लगता है तो सबसे पहले क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये देख लीजिए सबसे पहले रिलीज होने वाला सब्सटेंस है वो कौन सा है आपके, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आ गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, आगे जाकर कैल्शियम,
जाकर प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करता है, उसके बाद में थ्रोमिन बनता है, थ्रोमिन आगे जाकर किसको करता है, मतलब प्रोथ्रोमिन क्या हुआ, थ्रोमिन, थ्रोमिन आगे जाकर क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रीन में बदलता है, और फिर एंड में क्या हो जाता है, क्लोट। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। इसमें देख लो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसमें सब में है, लेकिन यहाँ पर देखो थ्रोमिन आ गया है, थ्रोमिन डायरेक्ट नहीं हुआ, एंजाइम आना चाहिए कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज, किसी में नहीं है देख लो आप, इसलिए करेक्ट आंसर आ गया कौन सा, सेकंड। इस एंजाइम के बिना आगे की रिएक्शंस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट लूजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कह रहा है प्रेगनेंसी के समय कौन सा जॉइंट लूज हो जाता है, तो आपको पता ही है जहाँ से पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होता है, वहाँ पर बेसिकली प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस में कौन सा जॉइंट मिलता है अपन को, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ठीक है, फाइबर भी होते हैं और कार्टिलेज भी होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया फाइब्रो कार्टिलेज, सैडल जॉइंट से मतलब नहीं, पिवोट से मतलब नहीं, हिंज से मतलब, करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट अगला है, इसमें आपको दिया है कि कंडक्शन आपको बताना है कि कंडक्शन किधर से किधर को हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्शन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हार्ट में जो कंडक्टिव पाथवे हो किस तरह से इंपल्स को फॉरवर्ड पूरे हार्ट की मस्कुलेचर में स्प्रेड करता है, तो इसके अंदर आप देखिए कैसे कंडक्शन आगे की ओर जाएगा, कि सबसे पहले कंडक्शन कहाँ जनरेट होता है अपन को पता है, कहाँ होता है, एसए नोड में होता है, ठीक है, एसए नोड से फिर जाता है एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज, फिर जाता है पुरकिंजे फाइबर, फिर हार्ट की मसल में। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड, एसए नोड पुरकिंजे तो नहीं जाएगा, एवी नोड शुरू ही नहीं होता, खत्म, एवी नोड खत्म, कोई मतलब नहीं है, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल रफ है, ये दो ऑप्शन के अंदर अपन को पता है ऐसे नोड से हमेशा कहा जाता है एवी, एवी से बंडल ऑफ हिज, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताना आपको इसमें से, ए पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके एंटीजन तो क्या हो गए, एंटीजन तो इसकी आरबीसी की सरफेस पर है तो वो जीरो हो गया, मतलब है ही नहीं, एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी ए और एंटी बी इन द ब्लड प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात है, ए ब्लड ग्रुप है किसी का बी और वो किसी ए को डोनेट कर सकता है क्या, है बिल्कुल नहीं करे, कांट डोनेट, बिल्कुल क्या ना नहीं कर सकता, तो सही बात है। ब्लड ग्रुप इज डिजाइन टू ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं एंटीजन के बेस पर, तो ये गलत हो गया, ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा इसका, थर्ड, थर्ड वाला गलत है स्टेटमेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया, डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व इन्वॉल्व्स, जैसे मान लो ये नर्व है, ये प्लस प्लस बाहर है, ये पोलराइज स्टेज है, इसकी अंदर माइनस है, ठीक है, अंदर माइनस है, और ये कौन सी है, पोलराइज, अब ये डीपोलराइज होगा तो अंदर कौन जाएगा, सोडियम, सोडियम जाएगा बाहर माइनस, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम ना, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम यस, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम नो, इफ्लक्स ऑफ सोडियम नो, ओनली इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड, सोडियम जाएगा तभी तो अंदर की क्या हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशन एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन पोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 40 मिलीवोल्ट्स ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेरिब्रल एक्विडक्ट, बिल्कुल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस इसका सिनोन्स इज फाउंड बिटवीन, हमें पता है ये किसमें मिलती है, अपन को पता है थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल होते हैं ना, थर्ड वेंट्रिकल को किससे कनेक्ट करती है, फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है, ठीक है, और ये बेसिकली प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन में, कहाँ प्रेजेंट होती है, मिड ब्रेन में, तो मिड ब्रेन क्या होता है, सॉलिड होता है, इसलिए वहां पर ये डक्ट प्रेजेंट होती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा कौन सा, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में नहीं होगा, फोर में नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड से तो मतलब ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, मिड ब्रेन के अंदर होती है अपनी ये डक्ट, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी किसमें मिलेगा आपको, मिड ब्रेन में मिलेगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको एबीसीडी से सेलेक्ट करना है, देखो आप किस तरह से करोगे आप, है ना, इधर देखिए आप, ये आपको पूरी स्ट्रक्चर दे रखी है एक अपर लिम्ब की और शोल्डर की, उसमें से आपको आपको ढूंढना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप देखिए सबसे पहले ए क्या है, तो ए कौन सी बोन है, हमें पता है क्लेविकल है, ठीक है, ये कौन सी बोन है, क्लेविकल बोन है, क्लियर, और अब देखिए आप बी वाली है वो कौन सी है, बी वाली, बी वाली, बी वाली कहाँ गई, स्कैपुला, ये रहा बी फोर स्कैपुला, फिर आइए आप सी, सी फोर ह्यूमरस, ठीक है, और डी, और थंब की तरफ जो होती है बोन हमेशा उसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, रेडियस, ध्यान रखिए, तो ये कौन सी आ गई, रेडियस, ठीक है, फिर आप आइए किस तरफ, नेक्स्ट आपके एफ, एफ के अंदर स्टार्टिंग में कौन सी आ गई, कार्पल्स, और जी कौन सी आ गई, मेटाकार्पस, अब आप इसको सर्च कर लो, क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फोर, बाकी कोई मैच करिए ना, देखो ए फर्स्ट वर्टिब्री ये उड़ गया,
स्केपुला उड़ गया, इलियम उड़ गया, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट, सॉरी आई मीन टू से फोर, फोर इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। ओके गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर सेमिनोलर वॉल्स क्लोज, ये कह रहा है सेमिनोलर वॉल कब क्लोज होते हैं, तो आपको पता ही है सेमिनोलर वॉल होते हैं किस में, जरा इधर देखो आप, सेमिनल हार्ट के ये चेंबर्स हैं, ठीक है ना, ये तो एट्रियो वेंट्रिकुलर है और यहां से आगे कौन सा, ये सेमिलोनर, इधर भी कौन सा आ गया सेमिलोनर, ये दोनों से कब क्लोज होंगे, ये कह रहा क्लोज कब होंगे, ये पूछा है आपसे, तो आप बताइए ये कब क्लोज होंगे भाई साहब, जब वेंट्रिकुलर का भाई ये कब क्लोज होंगे, वेंट्रिकल के अगर प्रेशर रहेगा, इसके अंदर प्रेशर है जब, तो ब्लड किधर आ रहा है इधर, जैसे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा वेंट्रिकल का कम हो जाएगा, ये वॉल क्या हो जाएंगे क्लोज और ये क्या हो जाएंगे ओपन, समझ गए, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जब हाई था तब तो ये क्या था ओपन, जब सिस्टॉल हो रहा था, जब ये रिलैक्स होंगे वापस वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में जाएगा तो ये वॉल क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे और एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो कब होगा जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर क्या हो जाएगा कम, वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज होगा तो फिर इधर चला जाएगा तो ये ओपन रहेगा, आपको क्या करना है इसको क्लोज करना, एट्रियल प्रेशर से इसका कोई मतलब नहीं है, एट्रियल प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट आंसर आ गया कौन सा, जब वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाए लो हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सेमिनोलर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल दोनों ओपन हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट साइड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इन विच ज्वाइंट मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, कौन से ज्वाइंट में बिल्कुल मूवमेंट होता ही नहीं है, वो ज्वाइंट है आपके कौन सा फाइब्रस, जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल इसको अपन बोलते हैं नॉन मूवेबल, नॉन मूवेबल ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस में स्लाइटली मूवमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, साइनोवियल में तो फुल मूवमेंट होता है, पीवोट भी किसका टाइप है साइनोवियल का, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा फर्स्ट, फाइब्रस में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे विट्रस चेंबर विट लेंस, ये कह रहा है जो आई है ये आ गया लेंस, ठीक है ना, और इधर आ गया कौन, ये सपोज करो रेटिना, ये आ गया रेटिना और ये आ गया लेंस, इन दोनों के बीच में कौन सा चेंबर है, तो इसके बीच में विट्रस चेंबर है, फ्लूड कौन सा है विट्रस ह्यूमर है, तो ये आ गया विट्रस चेंबर, एक्वस तो आगे आ गया इधर कॉर्निया और इसके बीच में आ गया, ये नहीं होगा ब्लड के मतलब नहीं लिम्फ होता ही नहीं यहाँ पर, तो फर्स्ट होगी कौन सी विट्रस चेंबर, जो किसके बीच में लेंस और रेटिना के बीच में, इसे ये भी बोलते हैं अपन पोस्टीरियर चेंबर। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, यहाँ पर आपको विटामिन ए का एल्डिहाइड फॉर्म पूछा है और एल्डिहाइड फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना आप कि पीछे ए एल आता है ना, जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में ये ऑप्शन तो बहुत ईजी है लेकिन मान लो टफ ऑप्शन दे तो वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर रेटिनॉल कर सकता है, तो पीछे ओ एल आ गया इसका मतलब ये विटामिन ए का फॉर्म है, करेक्ट, यहाँ पर पूछा है एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, तो ध्यान रखना यहाँ पर रेटिनॉल आएगा, ए एल आएगा पीछे, ये ध्यान रखने की बात है, बाकी आपको ऑप्शन बहुत इजी है, ऑप्शन एक प्रोटीन होता है जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, थायमिन विटामिन बी वन होता है कोई लेना देना नहीं है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी होता है इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपके इस क्वेश्चन का हो गया सेकेंड। ओके गाइस, तो अपन ने पूरा डीसीएम का पेपर कंप्लीटली सॉल्व किया, आप इस पेपर के ऑप्शन के बार बार पढ़ें और देखते रहें और नेक्स्ट डीसीएम के साथ अपन फिल्म बनेंगे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।